प्रथम लागु दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाक तलीला लेडिया मेरे जीव के इन पाम तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुन पल नवालों निरखूने त्रे मेरे जीव के ए जीवन मेरे जीव के ए जीवन यहाँ लगे कतेब की चर्चा में नाचित कलमा से हासिल किया लिया मुहम्मद माता इत लिया मुहम्मद माता इत। आपने मिटते में देखा किस प्रकार तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में परमधाम की आत्माओं का जागरण होता है। जो विचित्र घटना घटित होती है वह है बांग की आवाज सुनना, जिससे महामती जी के धाम हृदय में इस सत्य का प्रकाश होता है कि अब समय आ गया है कि वेद कतेब की दोनों धाराओं को एक किया जाए, मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह इस समझे सब अपनी मिने जब आए इमाम आखिर। सच्चिदानंद परब्रह्म तो सभी का है, सभी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करना उसकी महती कृपा है, क्योंकि बिना ज्ञान के प्रकाश के किसी की आत्मा जागृत नहीं हो सकती। औरंगजेब जो नाम कुरान का लेता है, इस्लाम की चादर ओढ़ रखी है, सारे देश को इस्लाम की शरीयत के झंडे के नीचे लाना चाहता है, उसको प्रबोधित करना आवश्यक है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, यदि राजा सत्य मार्ग का अनुयायी होगा तो प्रजा भी उसी मार्ग पर चलेगी। अब श्री जी आते हैं दिल्ली में, पूरे विठल गौर की हवेली में अपना डेरा डालते हैं, 6 महीने तक उसमें रहते हैं। वहीं पर गोवर्धन दास जी भी आ जाते हैं। गोवर्धन दास जी को श्री जी ने भेजा था अटक में राजा जसवंत सिंह को जागृत करने के लिए, किंतु जसवंत सिंह माया के प्रभाव में इतने रहते हैं कि वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते, कालांतर में राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होते हैं और इस दुनिया से चल बसते हैं। जब गोवर्धन दास जी अटक से आते हैं, सैयद की हवेली में श्री जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं, तो उनके साथ कई सुंदर साथ जो नए नए जागृत हुए होते हैं उनको अपने साथ भी लाते हैं। गोवर्धन दास जी ने वहाँ आशाजीत को जागृत किया, जो औरंगजेब के दरबार का वकील था। श्री जी ने और लालदास जी ने कुरान से संबंधित 22 प्रश्नों को वहाँ तैयार किया, जिसमें कुरान के तरह तरह के संदर्भ लिखे थे। उन 22 प्रश्नों को जब आशाजीत से बताया गया, आशाजीत ने वकील ने सुना तो कहा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये औरंगजेब बादशाह ऐसा है जो तो सवेरे सवेरे हिंदुओं का मुंह नहीं देखता, यदि सवेरे उसकी नज़र के सामने कोई हिंदू आ जाए तो उसको फांसी पर चढ़वा देता है। आप लोग जो ये हिंदी भाषा में पाते लिखे हैं औरंगजेब कभी भी पढ़ेगा नहीं। इसके पहले श्री जी की वाणी चर्चा के प्रभाव से अनेकों सुंदर साथ की जागनी होती है। ये शेख बदल
अटूट ईमान ले आते हैं। अनंत राम की जागनी होती है, दयाराम आते हैं, चंचल दास आते हैं, अनेकों सुंदर साथ वाणी के प्रकाश में जागृत होते हैं। अब किसी तरह से ये लीला चल रही होती है, गंगाराम वाणी के प्रभाव से धामधेनी के चरणों में आते हैं, किंतु इसी समय हरिद्वार में कुंभ लगा होता है। उस कुंभ में आप जानते हैं एक मान्यता है कि अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और उस जल में जो स्नान कर लेगा वो मृत्यु से परे हो जाएगा। ये तो बाह्य अर्थ है, अमृत की जो बूंदें गिरी वे तो पानी के बहाव में समुद्र में कभी बह गई। कौन से जल में स्नान करने से मुक्ति होती है? ज्ञान रूपी जल में, भक्ति रूपी जल में। दर्शन शास्त्र कहता है रीते ज्ञानात न मुक्ति, जब तक परमात्मा का वास्तविक ज्ञान न हो तब तक किसी को मुक्ति नहीं होगी। यदि आप एक बार गंगा जल में, चाहे हरिद्वार में गंगा जी है, प्रयाग में गंगा जी है, त्रिवेणी का संगम है, उज्जैन में छिप्रा है और इसी तरह से नासिक में भी कुंभ लगता है, वहाँ की नदियों के जल में स्नान करने मात्र से मुक्ति मानना भ्रम है। यदि नदी के जल में स्नान करने से मुक्ति मिल जाए तो उसमें रहने वाली मछलियों, मेढकों, घोंघों, सीपों की मुक्ति स्वतः ही हो जाए, फिर चारों वेदों के अवतरण का अभिप्राय क्या है? ध्यान समाधि का उपयोग क्या रह जाएगा? इसलिए आप धर्म ग्रंथों का यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमात्मा की प्रेममयी नदी में स्नान करते हैं तो आपकी मुक्ति होगी। स्थूल जल में स्नान करने से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि गंगा और नर्मदा के किनारे ऋषि मुनि योगी अति भ्रमण करते रहते हैं। गंगा के किनारे जाएंगे, नर्मदा के किनारे जाएंगे तो आपकी किसी न किसी महापुरुष से भेंट हो सकती है और उसके चरणों की सानिध्यता में बैठकर आप ज्ञान का प्रकाश पा सकते हैं। प्रेम में डुबकी लगाकर आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। या तो ठीक है, मनुष्य को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए सत्य की खोज में। निरर्थक घूमने से भी कोई लाभ नहीं है। ज्ञान की जिज्ञासा के साथ यदि आप भ्रमण करते हैं कि मुझे कोई पथ प्रदर्शक मिले जो मुझे सत्य तक ले जाए, तब तो वो ठीक है। वहां सुंदर साथ सब जगह से एकत्रित होने लगते हैं। ठठे नगर का भी सुंदर साथ आ जाता है, गोवर्धन दास जी भी पहले से आ चुके हैं, लक्ष्मी दास जी भी आते हैं सूरत से, उनके घर आड़िका लीला शुरू हो जाती है। आड़िका लीला का अर्थ क्या होता है? राज्य की अपनी कृपा के द्वारा दर्शाई गई ऐसी चमत्कारी लीला जो प्रकृति के नियमों के विपरीत हो। लक्ष्मीदास जी के घर राज्य प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मीदास, आज के आठवें दिन सकुमार की आत्मा जो औरंगजेब के अंदर है उसको मैं जगा दूंगा, तुम्हारे तन से जागनी होनी है। मनुष्य से यही तो भूल होती है कि वह अपनी सीमित शक्ति को अनंत मानने लगता है। ये लीला विशेष उद्देश्य के लिए की गई है। आकर के लक्ष्मीदास जी कहते हैं श्री जी से कि धामधनी, आज राजी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे तन से ही औरंगजेब की जागनी होनी है। श्री जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, या तो कोई मेरे साथ चले या आगे चले, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। यदि वो जागनी का कार्य करता है तो वो आगे चले, मैं उसके साथ पीछे भी चलने के लिए तैयार हूँ। सब सुंदर साथ से श्री जी ने कहा कि देखिए भाई, लक्ष्मी दास जी के घर साक्षात राजीव प्रकट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि औरंगजेब को आज के आठवें दिन मैं जगाऊंगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है, मेरे बराबर इनका आसन लगा दो। और लक्ष्मीदास जी को तो अहंग आ गया था कि राज्य साक्षात प्रकट होकर मुझसे कह रहे हैं कि औरंगजेब की आत्म जागृत होनी है तुम्हारे तन से, और श्री जी तो 6 महीना तक कभी इधर परेशान हो रहे हैं, उधर परेशान हो रहे हैं, मेरे अंदर कितनी शक्ति आ गई है। जानते हैं
लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? अहं की। मनुष्य को धन मिला, पद मिला, रूप मिला, विद्या मिली, प्रतिष्ठा मिली, मनुष्य अपने अहं का विस्तार करता जाता है और यही अहंकार का पर्दा उसके सामने एक यही अहंकार उसके सामने ऐसा पर्दा बन जाता है कि वो उसको लांग कर प्रीतम का दीदार नहीं कर पाता, उनके चरणों की सानिध्यता से दूर हो जाता है। श्याम भाई, भीम भाई ताना मारते थे कि धाम के धनी लक्ष्मीदास जी प्रणाम। उनको शर्म लगने लगी। जब आठवां दिन आया, लक्ष्मीदास जी ने कहा कि धाम धनी अपना वचन पूरा कीजिए, राज्य प्रतिदिन दर्शन देते हैं। 7 दिन दर्शन दिए, 8वें दिन भी दर्शन दिए और जब लक्ष्मीदास जी ने याद दिलाई तो राज्य अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। क्या सिखापन है इसके पीछे कि 5वें दिन की लीला के बाद चाहे कोई कितना भी महान व्यक्तित्व आपके सामने आता है, कोई भी संत, महान पुरुष, परमहंस, और यदि वो वाणी के विपरीत कहता है तो उसकी बात को नहीं मानना, क्योंकि वाणी का कथन अक्षरातीत का कथन है। कल को कोई भी कह सकता है कि हमने ध्यान में देखा कि ऐसा हो रहा है, आजकल नई परंपरा चल पड़ रही है। जो चीज वाणी में नहीं है, सुंदर साथ कहते हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई भी कह देता है कि मुझे अनुभव हुआ है, ध्यान तो लगा नहीं, मन की कल्पना कर लिए, कह देते हैं कि परम धाम में ऐसा है, परम धाम में ऐसा है, तो इसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए जो वाणी का कथन है अंतिम कथन है, वाणी के कथन के विपरीत किसी का भी कथन माना नहीं जा सकता। यह सिखापन है सुंदर साथ को। लक्ष्मीदास जी ने जैसे ही कहा, राज्य अंतर्धान हो जाते हैं और फिर उनकी हंसी हुई। सब कहते हैं कि लक्ष्मीदास जी, औरंगजेब की आत्मा कहाँ है? क्या उत्तर देते? क्योंकि अब शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। कलश में उन्होंने कह रखा है कि इंद्रावती कुपमा मैं तई अपने हाथ। जब सारी शोभा महामती जी को दे रखी है तो राज्य स्वयं प्रकट होकर भी कहें कि नहीं, अब सकुमार की जागनी लक्ष्मीदास जी के हाथ से होनी है, तो किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। वाणी पर अटूट विश्वास रहेगा, अटूट आस्था रहेगी, अटूट समर्पण रहेगा राज्य के प्रति, तभी आप जागृत हो सकते हैं, नहीं तो कल को कोई भी आपको भटका सकता है। अब सबको हरिद्वार पहुंचना है, क्योंकि विक्रम संवत 1735 का समय आ चुका है। सालिवान साका के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। धर्म ग्रंथों में यह साक्षी थी कि सालिवान साका तो गत षोडश कम शतम जीव उद्धार आया ब्रह्मांडे कल के प्रादुर्भविष्य। सालिवान साका के जब 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो समस्त जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन होगा। इसी प्रकार भविष्योत्तर पुराण की साक्षी क्या है? विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदश अष्ट त्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षराद परतः परः भारते च इंदिरायाम स बुद्ध आविर्भविष्यत स बुद्ध कल्कि रूपेण छत्र धर्म तत्पर। विक्रम संवत 1738 में सच्चिदानंद परब्रह्म प्रकट होंगे। अब 1735 का समय चल रहा है, 1738 में कहाँ आएंगे? बुंदेलखंड के क्षेत्र में पद्मावती केन सर्दी बिंद पृष्ठ विराजते, विंध्याचल की धरती पर पद्मावती, पद्मावती किलकिला को कहते हैं, पद्मावती केन सर्दी, केन नदी और किलकिला नदी, आज भी जाएंगे किलकिला नदी के किनारे पद्मावती का मंदिर है और किलकिला नदी को ही पद्मावती नदी कहते हैं शास्त्रों में। पद्मावती और केन के बीच की जो धरती है उसको पद्मावतीपुरी कहते हैं। वहां पर, वहां विंध्याचल पर्वत की धरती पर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। इस कथन को सत्य सिद्ध होना है। आप श्री जी सब सुंदर साथ के साथ हरिद्वार पहुंचते हैं। हिंदू समाज क्या सोचता है कि कुंभ की उस पवित्र तिथि में स्नान कर लेंगे तो हमें अमृत प्राप्त हो जाएगा और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना है। वेद क्या कहते हैं
तमेव विदित्वात् मृत्युमेति न अन्य पंथा विदते नाया। उस परमात्मा को जाने बिना, आत्मा के अंतः चक्षुओं से देखे बिना मृत्यु के भवसागर से छूटने का कोई बंधन नहीं है। चाहे आप तीर्थों में घूमते रहिए, नदियों में स्नान करते रहिए, माला का जप करते रहिए, कुछ नहीं होना है। तीर्थ किसको कहते हैं? जिन शुभ कर्मों से मनुष्य भवसागर से पार हो उसको तीर्थ कहते हैं। जल में स्नान करने से कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, जल तीर्थ नहीं है। हाँ, जल में स्नान करने से थोड़ी सात्विकता आ जाएगी, लेकिन यह सोचिए कि केवल डुबकी लगाने से भवसागर से पार हो जाएंगे, ये संभव नहीं। कथा क्या कही जाती है? जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से अमृत निकला, देवतागण उसको लेकर के भागे। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को मदिरा। देवता अमृत को पीकर अमर हो गए और मदिरा पान करके असुर मोहग्रस्त हो गए, पाप में डूब गए और जन्म मरण के चक्र में पड़ने लगे। जब देवता अमृत को के कलश को लेकर भाग रहे थे और दैत्य उनका पीछा कर रहे थे, इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भाग रहा था, तो जल्दी जल्दी में कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी, कुछ बूंदें त्रिवेणी के संगम में प्रयाग में गिरी, कुछ उज्जैन में गिरी छिप्रा के तट पर, और कुछ नासिक में गिरी, वहाँ जो नदी बहती है। सबने माना कि यहाँ अमृत की बूंदें गिरी हैं तो ये इसमें स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, ये पौराणिक मान्यता है। इसका गुह्य अर्थ क्या है? देवता किसको कहते हैं? जो सुतुगड़ी होते हैं। विद्वान सो ही देवा, जिन्होंने सात्विक भावों को धारण कर वेद ज्ञान को ग्रहण किया, समाधि अवस्था में आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद, प्रकृति से परे उस अखंड स्वरूप वाले ब्रह्म का दर्शन किया, वो मृत्यु के बंधन से परे हो जाएगा। और जो मदिरा पान करने वाले तमोगुणी असुर हैं, वो प्रमाद में, आलस्य में, बुरे विकारों में फंस कर भवसागर में भटकते रहेंगे। इसलिए ब्रह्मज्ञान के अमृत का रस स्वादन करने से आप भवसागर से पार होंगे, केवल नदियों के जल में स्नान करने से कोई भवसागर से पार नहीं होगा। नहीं तो मच्छलियों की स्वतः मुक्ति है, मनुष्य योनि की सार्थकता क्या रहेगी? वेद ज्ञान तारतम वाणी के अवतरण की क्या सार्थकता है? ध्यान समाधि की क्या महत्ता रह जाएगी? केवल नदी में डुबकी लगाइए, भवसागर से पार। इसलिए ऐसी पौराणिक कहानियाँ बनाकर हिंदू समाज को भटका दिया गया। आप श्री जी वहाँ जाते हैं, लाखों लोग एकत्रित हुए हैं। अभी इस वर्ष का जो कुंभ प्रयाग में मनाया गया, आपने देखा वहाँ करोड़ों की संख्या पहुँची थी। कितने देशों के, दर्जनों देशों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे, विदेश से कितने लोग आए थे। ये हिंदुओं का ऐसा समागम होता है जिसमें ज्ञान चर्चा होती है। पौराणिक परंपरा ही सही, लेकिन इसी बहाने हिंदू एक जगह इकट्ठा तो होता है, अन्यथा सांप्रदायिकता की आंधी तो ऐसी है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई कहता है कि मेरी विचारधारा श्रेष्ठ है, दूसरे की विचारधारा गलत। अब वहाँ श्री जी के साथ सुंदर साथ को जब वहाँ के आचार्य जन दूसरे मतों के अनुयायी देखते हैं, तो उनको संशय होता है कि जैसी वेशभूषा ये धारण किए हैं, जैसा तिलक ये लगाए हैं, वैसा तो हमारे प्रचलित किसी भी संप्रदाय में प्रचलित नहीं है। श्री जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं? श्री जी कहते हैं कि भाई देखो, तुम तो प्राचीन पंथ वाले हो, हम इतना जानना चाहते हैं परमात्मा कहाँ है, और जब इस शरीर को छोड़ा जाएगा तो हमारी अखंड मुक्ति का स्थान क्या है, हमारे इस संशय का समाधान कीजिए। आप देखेंगे आचार्यों के संशय का कारण क्या था, क्योंकि उन्हें भय लगा रहता था कि कहीं औरंगजेब की सेना ना आ जाए और ये भेष में, हिंदू महात्मा के भेष में कहीं औरंगजेब के भेजे हुए तो नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो मेला लगा था उसमें औरंगजेब की सेना ने भयानक नरसंहार मचाया था। हमेशा भय के साय में हिंदू जी रहे थे, क्योंकि उस समय देश में कोई ऐसा राजा नहीं रह गया था जो औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाए। अब वैष्णव के चारों पंथों के आचार्य हैं, माधवाचार्य के अनुयायी वहाँ
विद्यमान है, निम्बार्क मत के अनुयायी विद्यमान है और रामानुज पंथ के अनुयायी विद्वान हैं, सबके आचार्य हैं, विष्णु स्वामी मत के अनुयायी विद्यमान हैं। चारों पंथों के आचार्यों से श्री जी केवल एक बात पूछते हैं कि आप अपनी पद्धति बताइए, आपके अनुसार परमात्मा कहाँ है, कैसा है, आप किसको मानते हैं। और मेरा सबसे प्रमुख प्रश्न यह है कि आप ये बता दीजिए कि मरने के बाद हमारे जीव की क्या गति होगी, कौन सा स्थान प्राप्त होगा, कैसा स्वरूप प्राप्त होगा परमात्मा का। सभी अटक जाते हैं। वे ब्रह्म का धाम कहाँ बताते हैं, वैकुंठ। देवी किसको बताते हैं, यहाँ की नदी, यहाँ को। सारा ज्ञान उनका इस नश्वर जगत का है। 14 लोक वैकुंठ निराकार से परे की कोई भी बात उनको मालूम नहीं है। श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, आपने जो कुछ कहा है क्या वो वेद में लिखा है? आपने जिसको देवी माना, जिसको देवता माना, जिसको परमात्मा माना, परमात्मा का स्वरूप माना, क्या वो वेद में वर्णित है? जब एक एक बात पूछी जाती है तो सबको मौन रहना पड़ता है। इसके पश्चात 6 दर्शन के आचार्य खड़े हो जाते हैं और 10 नाम संन्यास मत के आचार्य खड़े होते हैं। 10 नाम संन्यास मत क्या है? कलयुग में 10 नाम संन्यास मत की परंपरा चली है, इसके पहले त्रेता, सतयुग, द्वापर में ये परंपरा नहीं थी। सतयुग में संन्यास मत के जो आचार्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। त्रेता में वशिष्ठ, शक्ति और पराशर। द्वापर में सुखदेव और व्यास। कलयुग में गौड़, गोविंद, पाद और शंकराचार्य। 3 आचार्य हैं संन्यास के। शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए और उन चारों के जो अन्य शिष्य हुए 10 नाम से जाने गए, इसलिए किसी के नाम के आगे गिरी, पर्वत, सागर, वन, अरण्य, सरस्वती, पूरी, भारती, ये नाम जोड़ दिए जाते हैं। शंकराचार्य के शिष्यों के ये सब नाम हैं, जैसे दयानंद सरस्वती या जो भी नाम सुनने को आता है, सरस्वती, गिरी, पूरी, भारती, ये सारे नाम कलयुग में प्रचलित हुए। पहले ये सब परंपरा नहीं थी। संन्यास लेने का अधिकार किसको होता है? जिसको पूर्ण वैराग्य हो, जो सांसारिक तृष्णाओं से ऊपर हटकर आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, केवल उसको संन्यास लेने की आज्ञा है। आजकल तो जिसके मन में आता है भगवे कपड़े पहन लेता है, कह देता है कि हम वैरागी हैं, हम संन्यासी हैं। जिसको वैराग्य नहीं हुआ, ज्ञान चक्षु जिसके नहीं खुले, वह व्यक्ति कभी भी संन्यास का अधिकारी नहीं होता। आजकल 70 लाख से अधिक इस देश में संन्यासी हैं, लेकिन वास्तविक संन्यासी नहीं है। संन्यास किसको कहते हैं? काम्य कर्मों का जिसने परित्याग कर दिया है। काम्यानाम कर्मणाम संन्यास इति कवयो विदुः। लेकिन आप संन्यासी बन गए हैं, आपकी तृष्णा हो रही है कि मैं चलूंगा तो केवल 50 लाख की गाड़ी में ही चलूंगा, ये संन्यास नहीं है। मैं केवल वयान से ही यात्रा करूंगा, मैं राजाओं जैसी सुख सुविधा भोगूंगा, ये संन्यासी का कर्तव्य नहीं है। सन्यासी हैं दयानंद, सन्यासी हैं विवेकानंद, करतल भिक्षा तरतल वास, सन्यासी हैं गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर स्वामी, इनको सन्यासी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उदासीन मत में हैं, वैरागी बने हुए हैं, भगवे कपड़े पहने हैं, या कहीं मंडलेश्वर हैं, राजाओं की तरह सुख सुविधा है, छत्र लेकर शिष्य चल रहे हैं, जय जयकारे लग रहे हैं, ये सन्यास की गरिमा नहीं है। सन्यास कहता है कि सांसारिक तृष्णाओं को जो मिट्टी के समान छोड़ दे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि सच्चा सन्यासी कौन है? जिसको सोने में, स्वर्ण में और मिट्टी में भेद प्रतीत न हो, ऐसा तो बिरला ही मिलेगा। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें मोह न हो, स्वर्ण की मुद्रा हो या मिट्टी का ढेर हो, दोनों को वो एक दृश्य देखे, समझे कि ये निर्थक है मेरे लिए, मेरे लिए ज्ञान की मड़ियाँ ही चाहिए।
हीरे मोती से उसको कोई लगाम न रह जाए, संसार की लोकेशना प्रतिष्ठा की इच्छा, धन की इच्छा और शिष्यों की मंडली इकट्ठी करने का उसको मोह न हो, बल्कि सबके कल्याणार्थ सत्य का उपदेश करे, सबका भला चाहे, वही सन्यासी कहलाने का अधिकारी होता है। दस नाम सन्यास मत के आचार्यों से श्री जी पूछते हैं कि बताइए, आप अपने संप्रदाय की पद्धति बताइए। दस नाम सन्यास मत के आचार्य जन कहते हैं कि देखिए, हमारी सात मन्याए हैं, सात मन्याओं के चार मठ हैं और हमारे चार संप्रदाय हैं। कीटवार, कीटवार संप्रदाय किसको कहते हैं? जो सभी प्राणियों पर दया भावना रखे, किसी की हिंसा न करे। भोगवार, जिसने संसार के सभी भोगों का परित्याग कर दिया हो। आनंदवार, जो परब्रह्म के आनंद में मग्न रहता हो, वो संप्रदाय आनंद वार करता है। और चौथा है भूरिवार, जो स्वर्ण के समान सुंदर दिखने वाली काया के बाह्य सौंदर्य की आसक्ति से रहित हो जाए, उस संप्रदाय को भूरिवार संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने अपने चार मठ बताए, उत्तर में जोशी मठ, दक्षिण में सिंगिरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका मठ। शंकराचार्य ने चारों मठों में एक एक वेद ज्ञान का प्रचार करने के लिए एक एक अपना शिष्य नियुक्त किया। कालांतर में वेद का प्रचार तो ठंडा हो गया, प्रस्थानत्री पर आ गए, वेद त्रयी को पढ़ना छोड़ दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में तीन प्रकार की रचनाएं हैं। साम की रचना गेय में है, ऋग्वेद की रचना काव्य में है और यजुर्वेद में गद्य की रचना है, अथर्ववेद में मिश्रण है। इसलिए कुछ गेय है, कुछ गद्य है, कुछ काव्य है, तीन प्रकार की रचनाओं के होने के कारण चारों वेद को तीन रूपों में दर्शाया जाता है। अब वेद त्रय इसी को कहा जाता है कि वेदों की रचना तीन प्रकार से की हुई है। अब इसका स्थान किसने ले लिया? प्रस्थान त्रय ने, गीता, उपनिषद और वेदांत। गीता क्या है? महाभारत का एक अंश है जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया है। एक तरफ दोनों तरफ 18 अक्षौणी सेना खड़ी है। अर्जुन को मोह हो रहा है कि मैं कैसे बाण उठाऊंगा अपने पितामह पर, कैसे बाण उठाऊं अपने कृपाचार्य पर, द्रोणाचार्य पर, जिनकी गोद में मैं खेला, जिनसे मैंने सारी विद्याएं सीखी, क्या युद्ध के क्षेत्र में मैं उन्हीं को मारूंगा? श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हें निष्काम होकर कर्म कार्य करना है, आसक्ति की भावना से नहीं। इसलिए कहते हैं कि तस्मात्ष्ठ कौनते या न एव पापम अवश्यस, यदि तुम भीष्म पितामह पर बाण चलाते हो, द्रोणाचार्य पर बाण चलाओगे तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें निष्काम भावना से कर्म करना है, धर्म की रक्षा के लिए करना है। ये पितामह, ये आचार्य द्रोण कृपाचार्य अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, सांसारिक संबंधों को नहीं देखना है। ये जो तत्व ज्ञान गीता में दिया गया, उपनिषदों का तत्व ज्ञान मुखरित हुआ है। लेकिन आज किसी हिंदू से पूछिए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा भागवत। बात ये नहीं है। समस्त हिंदू समाज, आजकल हिंदू शब्द है, 1000 वर्ष पहले के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, आर्य शब्द है। आर्य किसको कहते हैं? जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ होता है। शिष्ट में प्रारंभ में आर्य पैदा हुए। विवाद बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने चालाकी से काम लिया, कह दिया कि आर्य तो बाहर से आए, यहाँ पहले द्रविड़ लोग रहते थे, आर्यों ने द्रविड़ों को हराकर दक्षिण में धकेल दिया। तो पूछा जाए, केरला को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है कि परशुराम जी ने तपस्या की थी। परशुराम के माता पिता कहाँ थे? यमदग्नि ऋषि, जो ये गाजीपुर जिला है बनारस के पास, वहीं तो यमदग्नि ऋषि का आश्रम था। अगस्त ऋषि का आश्रम कहाँ था? उधर ही की तरफ दक्षिण भारत में। अगस्त ऋषि उत्तर भारत से गए थे। जितने और कन्याकुमारी का स्थान किसका है? पार्वती जी का। चाहे राम हो,
चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे शिव हो, उत्तर भारत के आराध्य देव हैं, पूज्य देव हैं, इन्होंने दक्षिण भारत में भी अपनी लीला की है। इसलिए ये कहना कि आर्यों से पहले यहाँ द्रविड़ रहते थे तो पूछा जाए द्रविड़ों का ग्रंथ क्या था, उत्तर नहीं है। लेकिन उत्तर और दक्षिण में भेद पैदा करने के लिए आर्य और अनार्य की परंपरा लगाई गई। अब मैं प्रसंग पर आता हूँ। समस्त भारतवर्ष आज सांप्रदायिकता की आंधी में बहा जा रहा है। हर संप्रदाय की विचारधारा अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहती है, दूसरे को तुच्छ करना चाहती है। 90% हिंदुओं ने, मुझे नहीं लगता कि चारों वेदों को देखा होगा। अधिकतर को मालूम ही नहीं कि वेदों में लिखा क्या है और हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो समाज अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना तो दूर, उसको देखता भी नहीं, उस समाज का भविष्य क्या होगा। एक 12 वर्ष का मुस्लिम बालक पूरी कुरान को याद कर लेता है, लेकिन एक हिंदू समाज का 50 साल का व्यक्ति हो जाता है, गीता के 2 श्लोक उसको याद नहीं होते, गायत्री मंत्र नहीं याद होता, वेद कब पढ़ेगा, दर्शन कब पढ़ेगा, उपनिषद कब पढ़ेगा, कैसे पता चलेगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी की वाणी जो सरल भाषा में वेद, उपनिषद, दर्शन सबका सार तत्व प्रस्तुत करती है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया है। इसलिए गीता महाभारत का अंश है। अब उस गीता की देखा देखी कितनी गई गीताएं बन गई, ईश्वर गीता, गणे अष्टावक्र गीता और न जाने कितनी गीताएं बन गई, 18 पुराणों के 18 उपपुराण बन गए, 18 गीताएं बन गई। अपनी अपनी विचारधारा को संप्रदाय वालों ने इसमें थोप दिया। सत्य ज्ञान तो उछल हो गया, पता ही नहीं चलता कि सच्चाई क्या है। हर संप्रदाय अपने अपने ग्रंथ को लेकर उसी की मान्यता को पोषित करता है। श्री जी उन्हीं आचार्यों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। शास्त्रार्थ का अर्थ झगड़ा नहीं होता है, शास्त्र के अर्थ यानी अभिप्राय को जानने के लिए। जैसे दो मित्र आपस में वार्ता करते हैं, उसी तरह से दो आचार्य, दो विद्वान वार्ता करें कि सत्य क्या कह रहा है, उसको कहते हैं शास्त्रार्थ। पहले जो शास्त्रार्थ होते थे, एक मध्यस्थ रखा जाता था, वह बताता था कि आप सही हैं या आप गलत। आजकल के शास्त्रार्थ में विद्वान अपनी प्रतिष्ठा को प्रमुख मानते हैं, सत्य का निरूपण उनके जीवन का उद्देश्य नहीं होता। वो सोचते हैं कि मारपीट करनी पड़े, गाली गलौज करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम जीत करके दिखाएंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति की मान्यता थी कि शास्त्रार्थ में जो पक्ष अपने अपनी विचारधारा को पुष्ट नहीं कर पाता था, स्वयं स्वीकार कर लेता था कि हाँ मेरी बात सत्य नहीं है, यह सत्य आप जो कह रहे हैं वो है। लेकिन आजकल कोई भी विद्वान यह मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी बात गलत है। अपनी गलत बात को सही सिद्ध करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। जब तक सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तब तक उस समाज का अस्तित्व क्या रहेगा। सत्य में सारी शिष्ट समाहित है, परमात्मा सत्य है। इसलिए मनुष्य को केवल सत्य का आश्रय लेना चाहिए। सत्यमेव जयते न नृतम। आप जीवन में कितने भी कष्ट में रहिए, केवल सत्य बोलिए, सत्य मानिए, सत्य कहिए। यह मत सोचिए कि झूठ का सहारा लेकर हम बड़े बन जाएंगे। झूठ के सहारे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। श्री जी के सामने वही सन्यासी भर गए। श्री जी पूछते हैं कि बताइए आप ब्रह्म के बारे में क्या जानते हैं। शरीर छोड़ने के बाद, संसार छोड़ने के पश्चात बताइए हमारे जीव का अखंड मुक्ति का स्थान कहाँ है। सातों मन्याओं के जो सन्यासी होते हैं, जो भी उत्तर देते हैं, श्री जी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि बेचारे ये घर द्वार छोड़े, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। किसी ने अपना धाम वैकुंठ बना रखा है, किसी ने निराकार बना रखा है, सब माया के संसार में ही भटक रहे हैं। वेद कहता है आदित प्रत्यश्च रेतसो ज्योति पश्यन्ति वासरम
परो यदिते दिव। जिस तरह से दिन में प्रकाश फैला रहता है, प्रकृति से परे वह ब्रह्म का धाम है जहाँ अखंड प्रकाश लीला में मग्न है, वो ब्रह्म का धाम है। इसलिए वेद कहते हैं पृष्ठात पृथिव्या अहम अंतरिक्ष मारूं, पृथ्वी से मैं अंतरिक्ष को जाऊं, अंतरिक्षात दिवो मारूं, अंतरिक्ष से द्योलोक को जाऊं, दिवो नाकस पृष्ठात स्वज्योति कामा, और द्योलोक से मैं आनंदमय मोक्ष धाम में विराजमान हो जाऊं जहां अनंत ज्योति है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। लेकिन इन मंत्रों को कौन पढ़ेगा? केवल छठी मान्या वाले ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी आत्मा है और उसका मूल परात्म मठ है हमारा परात्म। वे आत्मा और परात्म की बातें करते हैं, अखंड धाम की बातें करते हैं। छठी मान्या वालों के अतिरिक्त किसी को पता नहीं है कि क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है। यही दुर्भाग्य है। आजकल शंकराचार्य जी के पास भी जाइए तो वो भी शिवलिंग की पूजा करते हुए मिलेंगे, शालिग्राम को वो भी महत्ता देते हैं। शंकराचार्य जी ने अपने चारों शिष्यों से कहा था कि देखो तुम्हें एक एक वेद का ज्ञान फैलाना है। उन्होंने तो वेद तो छोड़ दिया, लेकिन किसको पकड़ लिया? प्रस्थानत्रय को। बाद में प्रस्थानत्रय के ज्ञान से भी किनारा कर लिया, पौराणिक विचारधारा को अपना लिया। आजकल देखेंगे आजकल के शंकराचार्य तरह तरह के पत्थरों के मंदिर बनवाया करते हैं, शंकर जी के मंदिर बनवाएंगे, शिवलिंग की स्थापना कराएंगे। क्या चारों वेदों में कहीं लिखा है कि शिवलिंग की पूजा कीजिए? वेदांत के किसी सूत्र में लिखा है? गीता के किसी वाक्य में लिखा है या उपनिषदों में लिखा है? चारों वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में कहीं नहीं लिखा है शालिग्राम की पूजा, शिवलिंग की पूजा, वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा कहीं नहीं लिखी है। लेकिन 18 पुराणों में जो अंधविश्वास आ गया, आजकल के शंकराचार्य भी वही भाषा बोलने लगे। हंसी तो तब आती है, आजकल के दो शंकराचार्य कांग्रेस के अनुयायी हैं और दो शंकराचार्य भाजपा के अनुयायी हैं। उनको तो अनुयायी होना चाहिए था सत्य का, धर्म का, वेद का अनुयायी होना चाहिए था। जब सन्यासी ही नेताओं के इशारे पर चलेगा तो समाज का क्या भला रहेगा? श्री जी 10 नाम सन्यास मत के विचारधारा को सुनकर आहत होते हैं। कैसा वो दिन है, कभी इस देश में अपाला घोसा जैसी ब्रह्मवादिनी महिलाएं हुआ करती थी, याज्ञवल्क पंचशिक जैसे महान ब्रह्मदर्शी विद्वान जनक की सभा में अपना अमूल्य प्रवचन दिया करते थे। आज उस देश में ये स्थिति हो गई कि शालिग्राम को भगवान माना जा रहा है, तुलसी के पौधे से शालिग्राम का विवाह किया जा रहा है, पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म का उद्घोष करने वाला यह देश पत्थरों के, लकड़ियों के, मिट्टी की मूर्तियों के पीछे भागा जा रहा है। अब देखिए जितना इस देश में गणेश जी की पूजा के लिए जितनी गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं, दशहरे के अवसर पर दुर्गा की मूर्तियां बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में बनाई जाती हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में जितना गणेश जी की पूजा पर धन खर्च होता है, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, हफ्ते 10 दिन खूब पूजा करेंगे, पानी में गिरा बहा देंगे, आखिर मिला क्या? अरबों रुपया जो हर वर्ष पानी में बहा दिया जाता है एक धार्मिक क्रियाकांड के नाम पर, यदि उसके नाम पर गुरुकुल बना दिए जाएं, धार्मिक शिक्षा के बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय बना दिए जाएं, विश्वविद्यालय बना दिया जाए, तो इस देश को ज्ञान का प्रकाश तो मिलेगा। और जो इन कार्यक्रमों के आयोजक होते हैं वे शराब भी पीते हैं, नृत्य गान कराते हैं, लोगों का मनोरंजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में आप जगह जगह देखेंगे गली गली में दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। चारों वेदों में दुर्गा शब्द नहीं है, दुर्गा नाम की कोई देवी उपनिषदों में वर्णित नहीं है, किंतु स्कंद पुराण की एक कहानी जो अलंकारिक है उसका असर न जानकर
दुर्गा की कल्पना की गई, काली की कल्पना की गई और इनकी मूर्तियां बनाकर सारा हिंदू समाज पशुओं की बलि देता है। कामाख्या में चले जाइए, क्या है? कसाई खाना ही तो है। कितने पशुओं को काटा जाता है, खून की नदी बहती है। विंध्यवासिनी में जाइए, मैहर में जाइए, आखिर खून का नाला बनाने की आवश्यकता क्या है? जगत माता पशुओं के रक्तपान से प्रसन्न हो, ये कैसे संभव है? जैसे मुस्लिम लोग बकरीद के दिन पशुओं की बलि देते हैं। बलि वैष्णदेव यज्ञ का क्या अर्थ होता है? हम प्रत्येक प्राणी को खिलाएं, कुछ खिलाइए। बामार्गियों ने इसका अर्थ निकाला, उन्हीं को मारकर खा जाओ। तो हिंदू भी पत्थर की मूर्तियों के आगे पशुओं की हत्या करते हैं और कहते हैं कि हमारी जगत माता आज प्रसन्न हो जाएगी। अपने ही संतान को मारकर कौन प्रसन्न होगा? एक प्रार्थना है शंकराचार्य के द्वारा की गई, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। वह कैसी जगत माता है जो अपने ही संतान को कहती है कि इसको मारकर मुझे बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ यानी इसकी हत्या कर दो। ये कहीं वेद शास्त्र में नहीं लिखा है। जगत माता के तो सारे प्राणी प्रिय होने चाहिए, वो पशुओं का मांस रक्त क्यों खाएंगे? मुस्लिम लोग बार बार कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान अल रहीम। वो परमात्मा दयालु है, कृपालु है, जब सब पर दया करने वाला है तो उसको भी बकरीद के दिन कुर्बानी करने की क्या हो सकता है? तृष्णाओं की कोई कुर्बानी नहीं करता, पशुओं की हत्या करके चाहे हिंदू हो या मुस्लिम ये प्रसन्न होता है कि हमने देवी को खुश कर लिया या हमने अल्लाह ताला को खुश कर लिया। ये धर्म के नाम पर चलने वाला एक अंधविश्वास है जो भोली भाली जनता को ये विवश कर देता है, चाहे बकरीद का दिन हो चाहे दशहरे का समय हो। न जाने कितने करोड़ पशु काट दिए जाते हैं, किसके नाम पर? परमात्मा और जगत माता को खुश करने के नाम पर। यदि सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो ऐसे ही तड़प तड़प कर पशु अपने प्राण देते रहेंगे। नेपाल में एक मंदिर है माता का, वहाँ एक वर्ष में पता नहीं कितने लाख भैंसे काटे जाते हैं। उनका मांस कैसे सड़ता रहता है? कैसी है वो माँ जो अपने ही प्राणियों का मांस खाती है? क्या दुर्भाग्य है इस देश का जिसमें ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है। मुझे एक व्यक्ति ने वीडियो दिखाया था, एक भैरव देवता का मंदिर है नेपाल में, उसका पुजारी होगा या कोई भी होगा छोटे छोटे बकरों के बच्चों की जीभ काट कर चबा जा रहा था। मुझसे वो दृश्य देखा नहीं गया था। ये कार्य तो राक्षस भी नहीं करते थे, आज पत्थरों के देवी देवियाँ पत्थरों के देवता कहलवा रहे हैं कि अमुक पशु की जीभ मेरे सामने काटो। क्या इसी को धर्म कहते हैं? जो वेद में नहीं लिखा, दर्शन में नहीं लिखा, उपनिषद में नहीं लिखा, जिस देश में एक चींटी को मारना भी पाप माना जाता हो उस देश में धर्म के नाम पर यह अडंबर चल रहा है। लेकिन मिटेगा कब? जब समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तभी तो। हर द्वार में सभी पंथों के आचार्य इकट्ठे हुए हैं और श्री जी उनसे पूछते हैं कि वह तो बताओ कि जब शरीर छोड़ेंगे हम तो कहाँ जाएंगे? किसी को मालूम नहीं। कोई बैकुंठ बता रहा है जब महाप्रलय होगा तो न बैकुंठ रहेगा न निराकार मंडल रहेगा, कहाँ जाएंगे हम? वैष्णव के चारों संप्रदायों के आचार्यों को पता नहीं, दस नाम संन्यास मत के आचार्य चुप हो जाते हैं, छह दर्शन के आचार्य अब उठकर खड़े हो जाते हैं। न्याय दर्शन वाले कहते हैं कि स्वामी जी अब हम आपको अपने सिद्धांत बताते हैं। प्रत्येक प्राणी दुख की 21 सीढ़ियों से गुजरता है। 21 दुख की सीढ़ियां कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिय और छठवां मन, छह हो गए, इनको छह इंद्रिय कहते हैं। छह इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, सुख दुख और शरीर, ये मिलकर 21 होते हैं। जो इनके बंधन से परे हो गया वही अखंड मुक्ति का अधिकारी होता है। श्री जी पूछते हैं कि बताइए वो ब्रह्म है कहाँ? न्याय दर्शन के विद्वान ये उत्तर देते हैं कि जो परमात्मा है अति सूक्ष्म स्वरूप है, ये जगत स्थूल है,
और परमात्मा इस जगत के लय होने पर भी बना रहता है। श्री जी पूछते हैं, ये बताओ, जगत तो कारण रूप में भी सूक्ष्म रहता है, ये स्थूल जगत सूरज चांद सितारे आकाश, आकाश तो सूक्ष्म होगा, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र पृथ्वी सभी स्थूल हैं, आकाश अहंकार महत्त्व सभी सूक्ष्म हैं, कारण प्रकृति का रूप भी इतना सूक्ष्म है। आप बताइए, जब सब ये लय हो जाएंगे तो अखंड ब्रह्म कहाँ रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर उनके पास भी नहीं है। मीमांसा दर्शन के आचार्य खड़े होते हैं, कहते हैं कि श्री जी हम आपको सत्य का ज्ञान देंगे। श्री जी पूछते हैं कि बताइए आपका सिद्धांत क्या है? कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल कर्म को जानते हैं। जीव हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, सभी कर्म के स्वरूप हैं। कर्म में ही सबकी गति है, क्योंकि उस युग में आजकल की तरह इतने ग्रंथ नहीं उपलब्ध होते थे। हस्तलिखित ग्रंथों के कुछ पन्ने होते थे, परंपरा से उनको पढ़ाया जाता था। एक बात, प्राचीन काल में जब चारों वेद अंग उपांग सहित कोई पढ़ लेता था तो उसको विद्वान माना जाता था, लेकिन जब मुगल काल में मुगलों ने मंदिरों को धराशायी किया, पाठशालाओं को बंद कराया, गुरुकुलों को बंद कराया, तो उनके भय से पठन पाठन की प्रक्रिया भी समाप्त सी हो गई। छिप छिप करके पंडित लोग अपने बच्चों को शिष्यों को थोड़ा पढ़ा दिया करते थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को तो पढ़ने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता था। और ये समय है 17वीं शताब्दी का, 18वीं शताब्दी का, इस समय तो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। इसके 500,000 साल पहले तो कुछ ज्ञान का प्रकाश भी था, 17वीं शताब्दी में इतनी अज्ञानता थी कि कोई इक्के दुक्के ही विद्वान मिलते थे। आप सोचिए, अंग्रेजों के युग में तो और हालत बदतर हो गई, कोई चिट्ठी आती थी तो गांव का पटवारी ही पढ़ सकता था कि चिट्ठी में क्या लिखा है। जिस देश की संस्कृत में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, मनुस्मृति में विधान है कि राजा का कर्तव्य है कि हर बालक को शिक्षा के लिए शिक्षालय भेजे। अब शिक्षा दीक्षा तो रही नहीं, हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाइए, शंकर जी के मंदिर में बेल पत्ते चढ़ाइए, धतूरा चढ़ा लीजिए, आपका कल्याण हो गया। न संध्या करनी है, न हवन करना है, न स्वाध्याय करना है, कुछ करना ही नहीं है, केवल पत्थर के मूर्तियों को लड्डू खिला दोगे, जाति पाति में पड़े रहोगे, परमात्मा का ज्ञान कौन देगा? ये विकट समस्या है। और ऐसे समय में जो आचार्य जन भी होते थे, उनको मालूम ही नहीं है कि मीमांसा में लिखा क्या है। मीमांसा में कर्म की व्याख्या है। आप देखिए, कोई भी पदार्थ बनेगा उसके 6 कारण होंगे। समय नहीं के बिना नहीं बनेगा, इसकी व्याख्या है वैशेषिक दर्शन में। काल, पुरुषार्थ न किया जाए तो नहीं बनेगा, इसकी व्याख्या है पतंजलि में। जब तक द्रव्यों का संयोग न हो तब तक नहीं बनेगा। आटे को और पानी को वो घोला न जाए, पानी अलग रखा रहे, सूखा आटा रहे, अलग रहे, तो रोटी कैसे बनेगी? इसकी व्याख्या है संख्य में। और जब तक गेहूं को पीस करके आटे के रूप में न बनाया जाए तब तक सृष्टि नहीं बनेगी, इसकी व्याख्या न्याय में, परमाणुओं की व्याख्या। बनाने वाला न हो, निमित्त कारण न हो, रसोईया न हो, तो अपने आप तो रोटी नहीं बनेगी। इसलिए निमित्त कारण जब तक ब्रह्म न हो तब तक सृष्टि नहीं बनेगी, इसकी व्याख्या है वेदांत में। सृष्टि के 6 कारणों की व्याख्या में 6 दर्शन रचे गए हैं, किंतु उसके आशय को न समझने के कारण भ्रांतियां फैल जाती हैं। मीमांसा दर्शन के आचार्यों ने कहा कि हम तो कर्म को ही ब्रह्म मानते हैं। कर्म और क्रिया में अंतर होता है। सृष्टि में कोई भी चेतन पदार्थ निष्क्रिय नहीं होता है। जीव कर्म करता है इंद्रियों के अंतःकरण के संयोग से। परमात्मा कर्म नहीं करता, कर्म के बंधनों से परे है वो, वो लीला करता है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार उसका कर्म नहीं है, उसकी लीला है। जीव कर्म करता है क्योंकि उसको सांसारिक सुख की कामना होती है।
सुख की कामना से, इंद्रियों से, शरीर से, अंतःकरण से मिलकर कार्य संपादित किया जाता है। इसलिए जीव के द्वारा कर्म किया जाता है, परमात्मा के द्वारा कर्म नहीं किया जाता। श्री जी ने इसी बात से खंडित कर दिया उनके पक्ष को कि विदते हृदय ग्रंथि छिदन से सर्वसंस्या छियंते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस ब्रह्म का दर्शन होने के बाद छियंते च अस्य कर्माणि, सभी कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण, तीन कर्म होते हैं, संचित और क्रियमाण योगाग्नि से भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भी थोड़ा रह जाता है। प्रारब्ध के अनुसार यदि फांसी लगनी है तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनने के बाद फांसी की जगह कांटा चुभ करके रह जाता है। कहने का से क्या है, जिस परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद कर्मों के बंधन से रहित हो जाया जाता है, वही परमात्मा कर्म क्यों करेगा। इसलिए मीमांसा वाले भी चुप हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुयायी खड़े होते हैं, कहते हैं कि देखिए काल के परे तो कुछ नहीं है, हम काल के ही ब्रह्म मानते हैं, काल ही स्वरूप है। वैशेषिक दर्शन में काल तत्व की व्याख्या की गई है। काल और समय में क्या अंतर है? समय की गणना सूर्य से होती है। जब सृष्टि में सूर्य नहीं था तो समय का आकलन नहीं हो पा रहा था, लेकिन काल ऐसा है कि जब सृष्टि नहीं रहती है तब भी काल की गणना चलती रहती है। जैसे 4,32,00,000 वर्ष इस 14 लोकों के ब्रह्मांड की आयु मानी गई है। इसके पश्चात 14 लोक 4,32,00,000,000 और वर्ष तक प्रलय में रहेंगे, यानी पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा, पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन उस समय सूर्य का प्रकाश न होने से कैसे मालूम किया जाए कि 4,32,00,000,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब जब सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, तो हम मालूम कर लेते हैं कि वर्ष बीत गया, दो वर्ष बीत गया। इसी तरह से 4,32,00,000,000 वर्ष की गणना कर सकते हैं। किंतु जब ये भी न हो तो उसको जो समय की अवधि बताए उसको कहते हैं काल। 9 द्रव्यों का विवेचन है वैशेषिक दर्शन में। पंचभूत पृथ्वी आपा तेज वायु आकाश काल दिक मन आत्मा इति द्रव्याणि। 5 तत्व काल दिक दिशा मन और आत्मा। आत्मा का तात्पर्य जीव और ब्रह्म दोनों। वैशेषिक दर्शन के रचनाकार हैं कणादि ऋषि, जो एक बार समाधि में बैठते थे तो कई कई माह बैठे रहते थे। इन्हीं कणाद के लिए कभी दयानंद जी ने कहा था कि कणाद ऋषि के युग में मैं होता तो मुझको विद्वान भी नहीं माना जाता, ऋषि मुनि तो दूर की बात है। आप सोचिए, इस देश में गौतम हुए, कपिल हुए, कणाद हुए, जिन्होंने गहनतम अनुसंधान किए आध्यात्मिक क्षेत्र में, और आज यह देश गुड्डे गुड्डी का खेल करने वाले पुजारियों से भर गया। ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं तो क्या है? आप दक्षिण भारत में जाएंगे, कुछ लोग शिवलिंग को मुंह में से निगल लेते हैं, कुछ लोग शालिग्राम को निगल लेते हैं। अरे भाई, पत्थर के शिवलिंग को मुंह निकल कर पेट में रख लेने से क्या फायदा होगा? क्या कल्याणकारी परमात्मा आपके पेट में आ जाएगा? जिसके लिए सर्वत्र व्यापकत्व की बात कही गई है, इस सृष्टि का अणु मात्र भी परमात्मा की सत्ता से रहित नहीं है, और उसको आप पत्थर के एक टुकड़े को आप अंदर निगल लेते हैं, फिर जब चाहते उगल लेते हैं कि हमेशा मेरे साथ रहे। आज एक और बात चल गई है, आजकल एक नए स्वरूप की कल्पना की गई, लड्डू गोपाल। बालक कृष्ण की मूर्ति को हर जगह एक पालकी में, छोटी सी पालकी बना लेते हैं, ढोकर लेकर चलते रहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे से जुदा नहीं हो। आप सोचिए, जो सारी सृष्टि को धारण कर रहा है, सूर्य चंद्रमा असोधाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम अथोस्व, जिसकी सत्ता इस अनंत सृष्टि को धारण कर रही है, उसको पालकी में आप लेते चलते हैं। आपके हृदय मंदिर में तो अखंड रूप से बसता है, आप उसको ढो ढो कर क्यों लेते कर चलते हैं? कहीं मंच पर भी बैठेंगे तो अपने लड्डू गोपाल की पालकी रख देंगे कि हमारे यही परमात्मा है। जो सारी सृष्टि
का संचालन कर रहे हैं उसको आपने सीमाबद्ध कर दिया। आपको बालकृष्ण से प्रेम है तो वो प्रेम अपने हृदय मंदिर में अखंड क्यों नहीं कर लेते, केवल चित्र को लेकर घूमते रहते हैं। वही परंपरा, क्योंकि हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की तरफ चिंतन नहीं करते। अब वैशेषिक दर्शन वालों को जब उन्होंने कहा कि भाई काल से परे है परमात्मा, काल आवत कब ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न हुए। जहां काल है वहां ब्रह्म नहीं, ब्रह्मधाम में कोई मरता नहीं है, इसलिए काल को आप ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। काल तो ब्रह्म की सत्ता के अधीन है, वो जड़ पदार्थ है, परमात्मा सच्चित और आनंद का रूप है। कठोपनिषद में कहा है भयात अग्नि तपति, भयात तपः सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचम। उसी परमात्मा के भय से सूर्य चंद्रमा सभी तप सभी क्रियाशील हैं, उसी परमात्मा के भय से मृत्यु यानी काल सभी प्राणियों पर शासन कर रहा है। काल का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व की एक अवधि है, उस अवधि के पश्चात उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उस अवधि को आप परमात्मा कैसे कह सकते हैं? वह अवधि तो परमात्मा के निर्देश में चलती है। जब वैशेषिक दर्शन वाले शांत हो जाते हैं तो सांख्य दर्शन के विद्वान खड़े हो जाते हैं। श्री जी पूछते हैं कि बताइए आपका सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं कि स्वामी जी और कुछ नहीं, पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि बनती है और पुरुष ही सबसे परे हैं, हम केवल उसको जानते हैं। सांख्य दर्शन ने कुछ और कहा, पुरुष दो हैं, जीव पुरुष और परमात्मा पुरुष। प्रकृति के सुख के उपभोग से जब जीव तृप्त नहीं होता तो वो परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करता है, प्रकृति से परे होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। श्री जी केवल एक प्रश्न करते हैं, आप बताइए पुरुष कैसा है, साकार या निराकार? प्रकृति कैसी है, साकार या निराकार? जब दोनों निराकार हैं तो दोनों का मिलन कैसे होता है, कहाँ पर होता है, और दोनों अलग होते हैं तो कहाँ अलग होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो सृष्टि होती है, जब अलग होते हैं तो लय हो जाता है। इस प्रश्न का समाधान भी सांख्य दर्शन के आचार्यों के पास नहीं था। उनको यह बोध ही नहीं था कि पुरुष तो अखंड है, उसका प्रतिबिंब उसका संकल्प जब इस मोह सागर कारण प्रकृति में आता है तो वह सबल ब्रह्म बनता है, और उसी सबल ब्रह्म जिसको प्रणव कहते हैं उसी के संकल्प से सृष्टि का प्रकटन होता है। किंतु यह रहस्य तो तारतम्य ज्ञान के बिना जाना ही नहीं जा सकता। अब कौन खड़ा होगा? पतंजलि के अनुयायी खड़े होते हैं, पतंजलि योग द्वारा रचित योग दर्शन के अनुयायी खड़े हो जाते हैं, जिसको कहते हैं पतंजल मत। पतंजल के दिए हुए दर्शन को पतंजल दर्शन कहते हैं। योग दर्शन के अनुयायी कहते हैं कि देखिए योग के आठ अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जैसे दूध में मक्खन छिपा रहता है, जब मत्ते हैं तो मक्खन प्रकट हो जाता है, उसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा का स्वरूप फैला हुआ है। जब हम ध्यान की अग्नि से मंथन करते हैं तो परमात्मा वैसे ही प्रकट हो जाता है, और जैसे सूर्य और उसकी किरणें हैं उसी तरह से ये जगत परमात्मा के किरणों के समान है। श्री जी कहते हैं कि ये बताइए सत्य से तो सत्य ही उत्पन्न होता है, सूर्य और किरणों का स्वरूप एक जैसा होता है। आप कह रहे हैं कि ये जगत किरणों के समान है, परमात्मा सूर्य के समान है, तो सच्चित आनंद स्वरूप सूर्य से ये असत जड़ और दुख वाला ये संसार कैसे बन गया? समाधि में जब परमात्मा के स्वरूप के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो धारणा किसकी करेंगे? योग दर्शन के विद्वान भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ये बोध होगा असंप्रज्ञात योग, निर्वीज समाधि प्रकृति का आधार लेकर लगाई जाए
या ब्रह्म की धारणा का आधार लेकर के लगाई जाए। ब्रह्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था, इसलिए किसी ने ज्योतिर्बिंद का आधार लिया, किसी ने सागर की लहरों का आधार लिया, किसी ने दीपक की लौ का आधार लिया। ब्रह्म के स्वरूप में कोई नहीं पहुंच पाया। जब तक परम गुहा में प्रवेश नहीं होता है तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार भी नहीं होता है। और यही कारण है कि सभी कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब वेदांत दर्शन के अनुयायी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि देखिए, जो एक ब्रह्म के सिवाय किसी अन्य को मानता है उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञानी। सर्वम खलविदं ब्रह्म, ये सारा जगत ही ब्रह्म का रूप है। वेदांती कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। और महावाक्य बोला करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलविदं ब्रह्म, अमृतम अव्ययम् एतद् ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। ये सारे वाक्य उपनिषदों के रट लेते हैं। क्या कहते हैं? सच्चिदानंदम अहम् पूर्णानंदम अहम्। यदि आप सच्चिदानंद हैं तो आपको क्रोध क्यों आता है? आप सर्वज्ञ क्यों नहीं हो जाते? आप ब्राह्मण हैं तो शूद्र को देखकर आप नाक सिकोड़ने लगते हैं कि अरे इसको हटाओ हटाओ। एक ब्रह्म को शूद्र से घृणा क्यों हो जाती है? एक ब्रह्म को प्रतिष्ठा की ललक क्यों लग जाती है? एक ब्रह्म में विकार कहाँ से आ जाता है? जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो वेदांत दर्शन के विद्वान चकरा जाते हैं। श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, जब तुम सर्वत्र ब्रह्मी ब्रह्म मानते हो तो अज्ञान कहाँ से आ गया? आपके अंदर तो सर्वज्ञता होनी चाहिए, आपके अंदर निर्विकारता होनी चाहिए। कौन ज्ञान दे रहा है, कौन ज्ञान ले रहा है? जहाँ अखंड एकरस ब्रह्म का स्वरूप है वहाँ भ्रांति विकार आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ये सारा जगत ब्रह्म रूप नहीं है। सारा जगत ब्रह्म की सत्ता से अनुशासित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यंत किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ कृतः कश्यस्वितनम। ये जो भी जड़ रूप जगत है परमात्मा की सत्ता इसमें व्यापक है, और परमात्मा का जो धाम है, परमात्मा का स्वरूप है, इस जड़ जगत से सर्वथा यही परे है। आप देखिए, वेदांत दर्शन के विद्वानों से बहुत शास्त्रार्थ होता है। उस समय वेदांत दर्शन के विद्वान उस समय आश्चर्य में डूब जाते हैं जब श्री जी के तर्कों के सामने उनको मौन रहना पड़ता है कि कहाँ ये असत जड़ और जड़ दुख है, जड़ असत जड़ और दुखमयी जगत है, कहाँ परमात्मा? अतः तद विपरीतम ही सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंदमयी लक्षणों वाला वह ब्रह्म। उपनिषद में कहा है, न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांत कुतो अयम अग्नि। उस ब्रह्म के धाम में सूर्य नहीं चमकता है, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस ब्रह्म के धाम में ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसके ही प्रकाश से। तस्य भाषा सर्वम इदम विभात, इस संसार में जो सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश सुशोभित हो रहा है ब्रह्म की सत्ता से सुशोभित हो रहा है, लेकिन उसका अखंड प्रकाश तो उसके अखंड धाम में है। और जहाँ उस ब्रह्म का निर्विकार अनंत सौंदर्य क्रीड़ा कर रहा है वहाँ जीव और जगत का अस्तित्व नहीं है, वहाँ ब्रह्म और उसकी मुक्तात्माओं का केवल अस्तित्व है। जब श्री जी ने अनेक प्रमाणों से, उपनिषदों के दर्शनों के प्रमाणों से उनको नतमस्तक कर दिया, वे चुप हो गए। अब उनके मन में संशय आता है कि ये कौन है। पूछते हैं कि हम सारे मिलकर इनके एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, अब इनसे पूछा जाए कि ये कौन है। अब श्री जी से सभी मिलकर पूछते हैं, आप कौन हैं? श्री जी परिचय बताते हैं कि देखिए, यदि आप हरिवंश पुराण की साक्षी देखें, महेश्वर तंत्र की साक्षी देखें तो आपको विदित होगा, पुराण संहिता की साक्षी देखें तो आपको विदित होगा कि हम कौन हैं। कली धन्य कली धन्य कली धन्य महेश्वर, यत्र ब्रह्म प्रियाणाम वासना वासना समुपाविशन। वह कलयुग धन्य है जिसमें ब्रह्म प्रियाओं की सुरता इस नश्वर जगत में माया का खेल देखने के लिए आई हुई है।
हर वंश पुराण में इसी को दर्शाया है कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ये ब्रह्मरूपं उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान सर्वान् पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेण जीव सृष्टि समुद्र। कलयुग के प्रथम चरण जो उसका अंतिम चरण होगा यानी लगभग 5000 वर्ष के आसपास, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अनुसार संसार की उम्र कम होती जा रही है। 4,32,000 वर्षों के पश्चात कलयुग का अंत होता है, लेकिन ब्रह्मलीला आई हुई है इसलिए इस खेल का समापन हो जाएगा, क्योंकि पापों के कारण उम्र घट जाती है। मनुष्य भी यदि पाप करता है तो उसकी आयु घट जाती है। उम्र को बढ़ाना और घटाना सब अपने हाथ में होता है। देखिए, जापान में लोगों की उम्र औसत आयु 100 वर्ष होती है, रसिया में 100 वर्ष होती है। वे आप लोगों की तरह जंक फूड नहीं खाते, पिज्जा बर्गर जापानी नहीं खाएगा, रसियन वाला नहीं खाएगा। उनका जीवन नियमित है, दिनचर्या नियमित है। आप वैज्ञानिक तथ्यों को एकत्रित करके एक रसियन की जीवन शैली लीजिए, जापानियों की जीवन शैली लीजिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि उनकी अधिक आयु का रहस्य क्या है। हिंदुस्तानी नकल करने में सबसे आगे हैं। विदेशी जिन चीज़ों का प्रत्याग कर रहे हैं, हिंदुस्तानी आँख मूंद कर उसको अपनाते जा रहे हैं। वे ये नहीं सोचते हैं यहाँ की जलवायु में क्या उसको खाना लाभदायक है, इसलिए यहाँ के लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, भयंकर रोगों के शिकार हिंदुस्तानी ज़्यादा हो रहा है। हृदय रोग के रोगी भारतवर्ष में ज़्यादा है, यहाँ नहीं होना चाहिए। विदेश वालों की देखा देखी ये मांसाहार पर टूट पड़ रहे हैं, मांसाहारी बनते जा रहे हैं। विदेश वाले छोड़ने की फिराक में हैं और यहाँ मांस खाना एक फैशन बनता जा रहा है, शराब पीना फैशन बनता जा रहा है। 45 के सेंटीग्रेड के तापक्रम में यदि आप मांस खाएंगे, शराब पियेंगे, तो आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा। रसिया में जहाँ तापक्रम 0 से 30 सेंटीग्रेड 40 सेंटीग्रेड नीचे जाता है, वहाँ तो शराब भी पी लेंगे, मांस भी खा लेंगे तो शरीर झेल जाएगा। तपती दोपहर में शराब हलक में उड़े लेंगे तो उसका परिणाम तो भयावह होगा। अब श्री जी से जब सभी आचार्य जन पूछते हैं तो बताते हैं, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ये ब्रह्मरूपिणा। कलयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मरूप मुनि उत्पन्न होंगे और वे क्या करेंगे। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याए। सबसे बड़ी विशेषता क्या है होगी कि एक अक्षरातीत के अतिरिक्त वे अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करेंगे। एक सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति ही उनके जीवन का आधार होगी। और यही है सबसे बड़ी चीज कि हम सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करें। हिंदू स्वार्थी हो चुका है, वो सोचता है कि धन चाहिए तो लक्ष्मी की भक्ति करो, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की भक्ति करो, काम पूरा करवाना है तो गणेश जी और हनुमान जी की भक्ति करो, या शनि को भी खुश कर लो, जिससे काम लेना हो उससे खुश कर लो, फिर सबको छोड़ दो, किसी का नहीं है। जब निष्ठा ही नहीं तो हिंदू समाज को क्यों मिलेगा। यही कारण है कि एक तरफ 100 हिंदू भी मर जाए तो वहाँ 1000 हिंदू होंगे, किनारे से खिसक जाएंगे, अरे हमें क्या लेने देना। कोई प्रतिरोध नहीं करेगा कि भाई इनको क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी इष्ट पर भी निष्ठा नहीं है। जो एक परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता वो जीवन में क्या करेगा। जिनको देवता माना जाता है उनके विषय में कोई नहीं सोचता कि देवता क्यों कहते हैं। जिसमें दिव्य गुण हो वो देवता है। माता पिता अतिथि आचार्य ये हमें ज्ञान देते हैं, जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए इनको देवता कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, योगिराज शिव, ये हमारी सृष्टि, हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं। ये आदरणीय महामानव हैं, महापुरुष हैं, किंतु ये परमात्मा नहीं। ये भी तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, हनुमान जी भी परमात्मा का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सभी महापुरुष हैं, इनके गुणों का सम्मान कीजिए, लेकिन परमात्मा तो कोई और है। इसलिए
जो कलयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मणी होंगे, परम धाम की आत्माएं उनके स्वरूप में होंगी, उनकी विशेषता होगी कि वे एक सच्चिदानंद परब्रह्म की के अतिरिक्त किसी की भक्ति नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पहले सभी आचार्यों ने क्या कहा था, किसी ने कहा था कि हमारे इष्ट विष्णु हैं, किसी ने कहा था कि हमारी देवी भद्रकाली है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने लक्ष्मी को माना, किसी ने किसी को माना। अब सभी आचार्य जन कहेंगे कि हमने तो जो कुछ अपना इष्ट धाम तीर्थ जो बताया है बताया है, अब आप अपनी पद्धति बताइए कि आप किसको मानते हैं। अब सुनिए वो पद्धति क्या है जो अलौकिक है, वेद शास्त्र से अनुमोदित है, और इसके पहले जिन्होंने जो कुछ कहा था वह वेद के अनुकूल नहीं था। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे चेतन चिद जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान, श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र है तारतम सोय, ब्रह्म विद्या देवी सही पूर्णोतन मम जोय, अठोतर सोपक साख सही साला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब सो, सुख विलास माहे नीते बिंद्रावन ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो स्वसम है तीरथ जमुना सोए, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है फल नित्य विहार प्रमाण, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय उत्तर प्रश्न प्रकाश, श्री देव चंद्र जी निजानंद जिन प्रगट करे संप्रदाय, तिन थे हम यह लखी है द्वार पावे अब ते है, सतगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे चेतन चिद जो अनु, चेतन चिद जो अनु, चेतन चिद जो अनु। श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, हम सतगुरु किसको मानते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, जो सच्चिदानंद परब्रह्म है उसी को हम सतगुरु मानते हैं। आप जो छह धागों का तीन धागों का ये जो पवित्र पहनते हैं हम उसको नहीं मानते हैं। हम ब्रह्मसूत्र किसको मानते हैं, अक्षर ब्रह्म ही वह सूत्र है, यो विद्यात् सूत्रम यस्मिन् उतः प्रजा इमा, सूत्रस्य सूत्रम यो वेद स वेद ब्राह्मण, कह रहे हैं सूत्रस्य सूत्रम यो वेद स वेद ब्राह्मणम महत्, जो सूत्र के सूत्र को जानता है वो महान ब्रह्म को जानता है। प्रकृति के सूत्र में ये समस्त प्रजाएं पिरोई हुई हैं, प्रकृति का सूत्र क्या है, अक्षर ब्रह्म, इसलिए अक्षर ब्रह्म को हम सूत्र मानते हैं। शिखा किसको मानते हैं, ये जो बालों की चोटी है इसको तो हर पौराणिक हिंदू शिखा मानता है, वास्तविक शिखा किसको कहते हैं, शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवितम चेतन, ज्ञानमयी शिखा। भाव क्या है, चेतन चित जो अनूप, चितगण स्वरूप परब्रह्म की जो शोभा है उसको हम शिखा मानते हैं। किसी पौराणिक हिंदू से पूछिए कि शिखा का क्या महत्व है, वो कहेगा शिखा सिर पर है और वहीं हमारा आठवां चक्र है, हम आठवें चक्र में समाधिस्थ होते हैं, ध्यान लगाते हैं तो शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, अर्थात हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। हमारी पद्धति यह है कि हम सीधे परम धाम में परब्रह्म की जो अनंत शोभा है उसी को शिखा मानकर, उसी की धारणा बनाकर उसका हम ध्यान करते हैं।
हमारा इष्ट कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत। सेवन है पुरुषोत्तम, उसी पुरुषोत्तम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की हम भक्ति करते हैं। एक उत्तम पुरुष के अतिरिक्त किसी की भक्ति नहीं करते। हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद। जैसे आप जितने हिंदू समाज के गोत्र देखिए, सभी ऋषि मुनियों के नाम पर हैं। ब्राह्मणों में गर्ग, गौतम और सांडिल्य, ये तीन गोत्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। गोत्र का तात्पर्य क्या होता है? हमारे यहाँ हमारे वंश का जो पूर्व पुरुष है, उनके हम वंशज हैं, उनके नाम पर गोत्र की परंपरा है। हम किसके अंग हैं? चिदानंद क्यों कहा गया? सच्चिदानंद परब्रह्म के हम तन हैं और उनकी आनंद अंग श्यामा जी के अंग हैं। यानी परब्रह्म सच्चिदानंद परब्रह्म के अंगरूप होने से हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद। संसार के किसी ऋषि मुनि के नाम पर हमारा गोत्र नहीं है। कहते हैं परम किशोरी इष्ट है, हम परब्रह्म की हिला नहीं सकती, श्यामा जी को अपना इष्ट मानते हैं। और हमारी भक्ति का साधन क्या है? पतिव्रता। पतिव्रता यानी गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति से वो परम तत्व प्राप्त होता है। व्यभिचारिणी किसको कहते हैं? जिसके अनेक पति हों। अव्यभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें एक परमात्मा की केवल भक्ति की जाती है। गोपियों को देखिए, वो एक बांसुरी की आवाज पर उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्या अनन्यया, जिसके अतिरिक्त कोई दूसरा न हो, जिस प्रेम लक्षण भक्ति में एकमात्र परमात्मा की आराधना की जाए, उसको कहते हैं पतिव्रता साधन। किसका हम जप करते हैं? परब्रह्म के युगल स्वरूप का। हमारा मंत्र क्या है? तारतम। तारतम किसको कहते हैं? अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला जो ज्ञान, जो हमें माया से परे ले जाकर एक परब्रह्म से हमारी आत्मा का तारतम्य स्थापित कर दे। जैसे गिरते हुए झरने में का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, हमारी आत्मा में भी वह परब्रह्म इस रूप से बस जाए कि हम उठते बैठते सोते जागते केवल उसी के भाव में डूबे रहें, उसको कहते हैं तारतम ज्ञान। हम दुनिया की देवी लक्ष्मी सरस्वती पार्वती की पूजा नहीं करते, किंतु ब्रह्म विद्या को हम देवी मानते हैं। पर ब्रह्म के मुखारविंद से अवतरित तारतम वाणी में जो ब्रह्म विद्या विद्यमान है, वही हमारे लिए देवी है। और ये ज्ञान नौतनपुरी में प्रकट हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं कि वही हमारी पुरी है। 108 पक्षों को हम मानते हैं। नवधा भक्ति सत्व रजतम के भेद से तीन और भेद बढ़ जाते हैं, 27। पुष्ट प्रवाह और मर्यादे की भावना से 81 भेद होते हैं। 82वां पक्ष जो है बल्भाचार्य का, 83वां कबीर जी का, और इसके परे परम धाम के 25 पक्ष। धाम तालाब कुंजमन सोहे मानिक नरे बन की सोहे पश्चिम चौगान बड़ो बन के ये एम पकुरा जमुना जी लहिये आठों सागर आठ जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के। इस प्रकार हम 108 पक्षों को मानते हैं। हम दुनिया के किसी क्षेत्र को नहीं मानते हैं, ना परशुराम क्षेत्र को मानते हैं, ना भृगु क्षेत्र को मानते हैं, ना किसी अन्य क्षेत्र को मानते हैं। हम तो केवल सतगुरु चरण को क्षेत्र को, सतगुरु के जहाँ चरण कमल हैं, परब्रह्म के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, तो सोचते हैं इन्हीं चरणों में हमारे लिए सारा ज्ञान है और हमारी आत्मा को खंड आनंद भी वही मिलता है। नित्य वृंदावन में हमने कभी अनंत प्रेम की लीला की थी और हमारे सिद्धांतों की साक्षी नारायण के माध्यम से इस सृष्टि में आई है। हम आत्मवेद को मानते हैं, स्वसम वेद। चारों वेदों में जो ज्ञान है तारतम ज्ञान के प्रकाश में, वह ज्ञान तारतम वाणी में अवतरित हुआ है, इसलिए तारतम वाणी को हम स्वसम वेद कहते हैं। स्वसम वेद का तात्पर्य है आत्मवेद, जिसमें आत्मा और परमात्मा की विवेचना की जाती है। तीर्थ क्या है? यमुना जी, जिसमें स्नान करने से, जिसमें अवगाहन करने से बहुत से पार हुआ जाए। हम इस संसार की यमुना जी को नहीं, परम धाम में अक्षरातीत के हृदय कमल के बहते हुए रस के रूप में जो यमुना जी बहती हैं, उसी को हम अपना तीर्थ मानते हैं। शास्त्र किसको मानते हैं? श्रीमद् भागवत में ब्रज की
और रास की लीला का वर्णन है, इसलिए साक्ष्य रूप में हम भागवत को शास्त्र मानते हैं। ज्ञान क्या है? तारतम्य वाणी का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान है। और हमारा कुल क्या है, कहाँ से हम आए हैं? तो हम परब्रह्म के आनंद स्वरूप हैं। आनंद रूपो यह सख्यो ब्रजे वृंदावने स्थिता, कलो पुनः प्रादुर्भविष्यन्ति पुनः यास्यन्ति तत्पदम। बृहद सदाशिव संहिता में स्पष्ट वर्णन है कि आनंद रूपा जो सखियाँ ब्रज और रास में थी, कलयुग में वही अवतरित होंगी और पुनः जागृत होकर अपने निज धाम को जाएंगी। हम वही परम धाम की आत्माएं हैं। हमारा घर कहाँ है? मुंडक उपनिषद में कहा गया है, दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठितम। दिव्य ब्रह्मपुर में ब्रह्म है, जहाँ अक्षरातीत की लीला है, अक्षरातीत का निवास है, अक्षरातीत का धाम स्वरूप और लीला उस परम धाम के अंतर्गत है। हम वहीं के रहने वाले हैं, इस माया के खेल को देखने के लिए आए हैं। हम परब्रह्म के निज आनंद के स्वरूप हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम भी निजानंद संप्रदाय है। इस ज्ञान को सबसे पहले श्री देवचंद जी, जो स्वयं परब्रह्म की हिलादिनी शक्ति के स्वरूप हैं, इन्होंने ये ज्ञान अवतरित किया है। उनसे ये ज्ञान हमने प्राप्त किया है और हमारी साक्षी के लिए चारों वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह उपांग, सभी आर्ष ग्रंथ हमारी साक्षी दे रहे हैं हमारे सिद्धांतों की। जब ये बात सभी आचार्यों ने सुनी तो बहुत उन्हें लज्जित होना पड़ा कि जिन ग्रंथों की ये साक्षी दे रहे हैं, उन ग्रंथों को तो हम पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। अतित वर्ण तमसा परस्ता तो हमने भी पढ़ा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ये ब्रह्म रूपण हमने भी पढ़ा है। दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठितम, दिव्य ब्रह्मपुर नाम तो हमने भी सुना है कि उपनिषद में ब्रह्मपुरी का वर्णन हमने भी पढ़ा है, लेकिन हम तो अयोध्या में भटकते रहे, मथुरा में भटकते रहे, द्वारिका में भटकते रहे और बद्रीनाथ में भटकते रहे, बैकुंठ में भटकते रहे। हमें कुछ पता ही नहीं चल पाया कि ये ब्रह्मपुरी है कहाँ। वेद में एक मंत्र आता है, अष्टाचक्र नौ द्वारा देवानाम पुर अयोध्या, तस्याम हिरण्य में कोश स्वर्ग ज्योतिषावृत, तस्मिन हिरण्य कोशे बीर्जम ब्रह्म निष्कलम, तस्मिन हिरण्य कोशे त्रैरे त्रिप्रतिष्ठते, तस्मिन यद्यक्षम आत्मोत्तत्येव ब्रह्मविदो विदो। अयोध्या शब्द है, अयोध्या का अर्थ क्या होता है? युद्ध में जिसको किसी ने न जीता ना हो उसको अपराजिता, अपराजिता कहा गया है। शंकराचार्य जी के बहुत नजदीकी थे स्वामी करपात्री जी, जानते हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे लेकिन पक्षपात करने में बहुत आगे थे। वो बर्तन में भोजन नहीं करते थे, हाथ दोनों हाथ फैला देते थे, जैसे जैन मुनि करते हैं, दोनों हाथों की अंजलि में जो भोजन मिलता है उसी को ग्रहण करते हैं। करपात्री जी भी ऐसे ही करते थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी जानते हैं उन्होंने क्या अर्थ किया है अयोध्या का? ये जो फैजाबाद के पास अयोध्या है, इसी को कह दिया है कि यही अयोध्या है जिसका वर्णन वेद में किया गया है। अब पूछा जाए तो वेद तो 1,96,08,53,000 वर्ष से हैं, राम का जन्म तो केवल 16,00,000 वर्ष पहले हुआ था। इसके पहले कहाँ से? जब अयोध्या थी नहीं तो वेद में तो कहा गया है कि अष्टाचक्र नौ द्वारा देवानाम पुर अयोध्या, आठ चक्र, आठ सागर और नौ भूमिकाओं वाली। नौ भूमिकाएं किसकी है? नौ भूम दसवीं एकासी किसकी है? आप जानते हैं, जिस परम धाम में आठ सागर नौ भूमिकाओं वाले रंगमहल की आनंदमयी धाम की शोभा है, उसको अयोध्या कहा गया है कि इस सृष्टि का कोई भी प्राणी उसके बारे में नहीं जानता है। तभी तो केन उपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप से जो अथर्ववेद का केन सूक्त है उसमें कहा गया है, प्रभाजमानम हिरण्य यस्सासं परिवृतम पुरम हिरण्यम ब्रह्म अविवेश अपराजिताम। उस ब्रह्मपुरी में, उस अपराजिता ब्रह्मपुरी में ब्रह्म विराजमान है, जिसको सृष्टि का कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता।
सका है, आज तक जा नहीं सका है। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवण सो इत मिल्या नरनार। जब सारी बात बताते हैं तो सभी आचार्य जन नतमस्तक होते हैं, उनके नाम की ध्वजा फहराते हैं और स्वीकार करते हैं कि विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आप हैं, आपके अंदर जो ज्ञान है इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं, कोई दाग नहीं, आपने अपने अलौकिक ज्ञान से हमें नतमस्तक किया है, हमारे सिद्धांतों में त्रुटि आपने दिखाई है, किंतु हमें सभी पंथों के आचार्य मिलकर आप में रंच मात्र भी दाग नहीं निकाल पाए हैं, आप निष्कलंक हैं, विजय आपका अभिनंदन करती है और धर्म ग्रंथों के प्रमाण से हम ये मानते हैं कि आपके अंदर परब्रह्म की अलौकिक शक्ति विराजमान है। यह मानकर सभी आचार्यों जनों ने उनकी आरती उतारी थी और विजया अभिनंद बुद्ध की शाखा भी प्रचलित की थी, ध्वजा भी फहराई थी और तब कीर्तन उतरता है, कृपा निध सुंदर वर्षा। कृपा निध सुंदर वर्षामा, भले भले सुंदर वर्षामा, कृपा निध सुंदर वर्षामा, भले भले सुंदर वर्षामा, उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में, आए धने श्री धाम कृपा निध सुंदर वर्षामा, भले भले सुंदर वर्षामा, प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में, प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदा ईश्वर सृष्टि और जीव की, ईश्वर सृष्टि और जीव की, सब आय करो दीदार कृपा निध सुंदर वर्षामा, भले 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 सुंदर वर्षामा, जबकि माया ए भई पैदा, जबकि माया ए भई पैदा, ए लीला जाहिर ना कब, लीला ना जाहिर कब, ब्रिजरास और जागनी लीला, ब्रिजरास और जागनी लीला, ए जो प्रगति अब कृपा निध सुंदर वर्षामा, भले 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 सुंदर वर्षामा, चारों तरफों चौदे लोकों, चारों तरफों चौदे लोकों, ए शुद्ध हुई सबों पर, चारों तरफों चौदे लोकों, ए शुद्ध हुई सबों पर, बाजे दुदुम भी भई जित सकल में, बाजे दुदुम भी भई जित सकल में, नेह चल सुख बेसुमार कृपा निध
सुंदर वर श्यामा भले 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 सुंदर वर श्यामा कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले 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 सुंदर वर श्यामा प्रगटे ब्रह्मा और ब्रह्म सृष्टि प्रगटे ब्रह्मा और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मवतन और ब्रह्मवतन महमत एन प्रकाश थे महमत एन प्रकाश थे अखंड किए सब जन कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा उपजो सुख संसार में उपजो सुख संसार में आए धने श्रीधाम कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा श्री जी हरिद्वार में 4 महीने तक रहते हैं और उसके पश्चात वहां से चल पड़ते हैं। सबकी सेवा में गरीब दास जी रहते हैं, उनका नाम था नागजी भाई। श्री जी ने कहा कि ये नाम ठीक नहीं है, तुम्हारा नाम गरीब दास रखा जाएगा क्योंकि तुम बहुत विनम्रता से सब सुंदर साथ की सेवा करते हो। लालदास जी के ऊपर सभी धर्म ग्रंथों के साक्षियों का बोझ था और हिंदुओं की फौज यानी सभी आचार्यों से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके अब श्री जी दिल्ली पधारते हैं। दिल्ली में सब सुंदर साथ जो ठहरे थे वो मिलकर बहुत आनंदित होते हैं क्योंकि श्री जी के चरण कमलों की सानिध्यता के अतिरिक्त उनका कोई आनंद का स्थान नहीं था। सबकी ये विचारधारा है कि जो स्त्री यहाँ हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको कहीं एकांत स्थान में रखा जाए और यहाँ जो तगड़े तगड़े युवा वर्ग हैं केवल वो रहे। इसका कारण था, मुगल सल्तनत का इतिहास यही कहता है कि जो उनकी विचारधारा के विपरीत चलता है उसको वो किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकते। आपने इतिहास के पन्नों को यदि पलटें तो आपको विदित होगा कि सिखों के गुरु अर्जुन देव के साथ जहांगीर ने कितना अत्याचार ढाया था, औरंगजेब ने तो इंतहा कर दी, गुरु तेग बहादुर को कितना कष्ट के साथ मारा गया, तड़पाया, शहीद किया गया। आप देखेंगे मत्ती दास को, सत्ती दास को गरम तेल में खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, आरे से चीरा जाता है, फिर भी वो सत श्री अकाल कहते कहते प्राण छोड़ देते हैं, धन परिवर्तन नहीं करते। और केवल धर्म की बात को ही तो लेकर गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश बलिदान किया था। आज भी जहां बलिदान किया था वहां शीशगंज का गुरुद्वारा है। औरंगजेब धर्मांध था, धर्म के नाम पर अंधा हो चुका था, उसको लगता था कि इस्लाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अब श्री जी इसी भावना से सबकी राय मानकर वहाँ से चलते हैं अनूप शहर ताकि कुछ माताओं बहनों को बच्चों को वहाँ रख दिया जाए क्योंकि जो भी चला था सब परिवार के साथ चल पड़ा था, सबकी देखभाल भी करनी थी। वहाँ अनूप शहर में एक पाठक के यहाँ ठहरे, अनूप उसके पाठक के पास हवेली लेकर ठहरे और वहाँ
सब सुंदर साथ को रखकर श्री जी पुनः दिल्ली आते हैं। सब सुंदर साथ मिलते हैं। आशा जी जो वकील है उसको बुलाया जाता है कि बताओ तुम्हारी क्या राय है, कैसे औरंगजेब के पास संदेशा भेजा जाए। जब जो 22 प्रश्नों की पाती लिखी थी उसमें नबी और नारायण के संबंध में कुछ कहा गया था कि नबी यानी मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्मा है जो परम धाम में जाकर अक्षरातीत से बातें करती है, और नारायण कहते हैं कि नहीं नारायण गम अक्षर, नारायण को अक्षर का भी पता नहीं है। जब ये बात असजीत वकील सुनता है तो कहता है कि इसमें तो हिंदुओं के देवता को छोटा किया गया है, मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। आज हिंदू समाज नारायण से आगे का ज्ञान नहीं जानता है, क्योंकि नारायण मोह सागर प्रकृति में जो अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है उसको प्रण ओंकार कहते हैं। अक्षर का मन जो जागृत है उसको भी प्रण ओंकार कहते हैं। जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। किसी भी महापुरुष के पास जाइए तो नारायण नारायण कहने लगता है। कठोपनिषद ये मनुस्मृति में कहा गया है, आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वै नर सुनवा तदा तद यदस्य अयनमित नारायण इत स्मृत। मोह सागर को ही नार कहते हैं, उसमें जिसका अयन यानी निवास है उसको नारायण कहते हैं। जो नारायण से परे निर्गुण ब्रह्म है, प्रकृति से परे है, वह तो ब्रह्म का स्वरूप होगा, और उसके परे भी अक्षर है, उसके परे अक्षरातीत होगा। लेकिन कोई ग्रंथों का चिंतन मनन नहीं करता। एक परंपरा चल गई कि आदि नारायण परमात्मा है तो सबने मान लिया कि वही परमात्मा है। अब बार बार प्रयास किया जाता है। एक दिन शेख सलीमान औरंगजेब के दरबार का अधिकारी है, उसको उसके पास जाकर कुछ सुंदर साथ विचार करते हैं और कहते हैं कि हमें औरंगजेब से मिला दो, तुम्हारी जो भी इच्छाएं होंगी पूरी हो जाएंगी। वो कहता है कि आज मिला दूंगा कल मिला दूंगा। उसको धन का लालच भी दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि हम लोहा से सोने बनाने की कला भी बता देंगे। वो तो ऐसी ही बात कह दी थी, सुंदर साथ लोहे से सोना नहीं बनाते थे। उसको डर लगने लगा कि यदि औरंगजेब कहीं प्रभाव में आ जाएगा और इन हिंदू वैरागियों का शिष्य बन गया, मुरीद बन गया, तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो सारी हमारी सल्तनत चली जाएगी। इसलिए कहता है कि कल मिला दूंगा। कल जाने के बाद कहता है कि 4 दिन के बाद मिला दूंगा। उसके बाद कहता है कि और मिला दूंगा, किंतु मिलाता नहीं है। फिर सब सुंदर साथ ने उसका साथ छोड़ दिया। अब लालदास जी गोवर्धन दास जी एक मस्जिद के मुल्ला के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि बताओ कुरान में क्या लिखा है। जब मुल्ला ने कुरान की आयतों का उदाहरण देकर के समझाया तो दोनों को लगा कि कुरान में तो हमारी साक्षी है, किंतु गोवर्धन दास जी के अंदर डर बैठा था कि यदि साक्षी मिल गई तो हमें औरंगजेब के पास जाना पड़ेगा। इसलिए लालदास जी से कहने लगे कि अब हमें श्री जी से चलकर कह देना है कि कुरान में कोई साक्षी नहीं है। लालदास जी ने कठोर शब्दों में उत्तर दे दिया। अब गोवर्धन दास जी को भय लगा कि यदि श्री जी के सामने जाकर लालदास जी ने मेरी पोल पट्टी खोल दी कि मैं मना कर रहा था कि श्री जी से नहीं कहना है, तब तो उनकी दृष्टि में मैं गिर जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले वही आकर तेज कदमों से श्री जी के पास गए और कहते हैं कि धामधनी कुरान में तो हमारी सारी साक्षी है। इसी समय लालदास जी पहुंच जाते हैं और गोवर्धन दास जी की इस स्थिति को देखकर कहने लगते हैं कि धामधनी हमारे जैसे लोगों पर आप विश्वास कभी मत कीजिएगा। आपके सामने जब हम चटाई पर बैठे होते हैं तो हमारा ईमान कुछ और होता है। हम कहते हैं कि आप ही अक्षरातीत हैं। जब पीठ पीछे होते हैं
तो आपके अंदर अवगुण दिखाई देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि श्री जी औरंगजेब के पास भिजवा कर हमको मरवा देंगे। देखिए आईएस की विचारधारा को पोषित करने वाले हजारों नौजवान भाग भाग करके जा रहे हैं कि हमें मरना है, अपने शरीर पर बम बांध कर मर जाएंगे इस्लाम के लिए। औरंगजेब के पास संदेशा भेजना है केवल कि कुरान क्या कहता है, किसी को मारना नहीं है, एक चींटी को भी मारना नहीं है। लेकिन हिंदू इतना डरपोक हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि एक समय जिसको अक्षरातीत कहता है कि आप साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप हैं, उन्हीं से झूठ बोलता है। ऐसा क्यों हुआ? किसी समाज का नैतिक स्तर उस समाज की दिनचर्या पर निर्भर करता है। जब से हिंदुओं ने सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परब्रह्म का आश्रय छोड़कर पत्थरों के कल्पित देवी देवताओं को अपना आराध्य बना माना, तब से उनका आत्मबल टूट गया। वेद का ज्ञान नहीं, भक्ति का प्रभाव नहीं, आत्मबल कहाँ से पैदा होगा? कभी गीता तो थी, गीता के पढ़ने वालों के अंदर कितना आत्मबल था, उनको मरते समय डर नहीं लगता था कि नैनम चिंतन्ति सहस्राणी नैनम दहति पाव का। बंदा बैरागी जैसा बहादुर कब पैदा होगा जिसके एक एक अंग को काटा जा रहा है फिर भी वो मुस्कुरा रहा है? आप देखिए सिखों में गर्दन कटवाने के लिए होड़ मची है। दिल्ली में सिखों को कैदी करके लाया गया है बंदा बैरागी के साथ। हर सिख कह रहा है पहले मेरी गर्दन कटे, पहले मेरी गर्दन कटे। बंदा बैरागी के 4 साल के बच्चे को काटा जाता है लेकिन वो बच्चा डरता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाता है। सतरी अकाल का जप करते हुए दीवार में चुने जाते हैं किंतु धर्म नहीं छोड़ते। और हम परमधाम के ब्रह्मुनि कहलाते हैं, श्री जी पर भी विश्वास नहीं, उनके सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। अब श्री जी के चेहरा तमतमा जाता है कि जिन पर मैं विश्वास करता हूँ उनके अंदर ऐसी भावना है, चेहरे पर लगने लगा कि जैसे बिजली चमक रही हो, जब्राइल का स्वरूप प्रकट हो जाता है, ऐसा लगता है कि साक्षात जब्राइल आ गया हो। अब जिब्रील और असराफील महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, परब्रह्म के जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि के ज्ञान की शक्ति। अब लीला तो बढ़नी है। श्री जी कहते हैं कि लालदास जितने ग्रंथ हैं तुम लेकर चले जाओ यहाँ से। भीम भाई और मुकुंद दास जी उदयपुर चले जाए, गोवर्धन दास जी को कहा, गोवर्धन तुम्हें जागने का बहुत शौक है, तुम्हें मरने से डर लगता है और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें औरंगजेब के पास भेजकर मरवा दूंगा, तो मैं किसी को क्यों मरवाऊं? तुम सूरत जाओ, वहां जागने करो। गोवर्धन को ये जाने का आदेश हुआ और कहते हैं कि अब मैं तो अनूप शहर जा रहा हूं, तुम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से जागने करो, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस जागने लीला में किसी तन को यदि मूल स्वरूप अपनी सेवा में लेते हैं तो उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए, यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा। गोवर्धन को उठाया था श्री कृष्ण जी ने और शोर मचा रहे थे कि जल्दी जल्दी डंडे लगाओ, नहीं तो गोवर्धन पर्वत को मैं कैसे उठाऊंगा। एक अंगुली पर उठा रखे हैं और शोर मचा रहे हैं, जागने करेंगे राज्य, आपके तनों को तो शोभा दी जा रही है, आपको ये आसान नहीं समझना चाहिए कि हमारे बिना काम नहीं हो रहा है, करने वाले राज्य हैं। हाँ, उस सेवा में जितने लोग लगते हैं सबका सम्मान मिलना होना चाहिए, कोई भी किसी को अपमानित न करे, मन से वाणी से कर्म से सभी को परम धाम की भावना से एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जब गोवर्धन भाई के मन में ये लगा कि ये श्री जी हमको मरवा देंगे तो आखिर यह आरोप किस पर जाता है? धाम धनी पर। जिस तन में अक्षरातीत की बैठक मानते हैं कि आपके अंदर साक्षात युगल स्वरूप हैं,
वही अक्षर अतीत किसी को क्यों मरवाएंगे, कह दिया कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अब अनूप सर जा रहा हूँ। ऊंट गाड़ी पर बैठकर श्री जी चल देते हैं। उस समय वर्षा हो रही होती है, दस्त होने लगते हैं महाराज के तन को। मानिक बाई डर जाती है कि क्या श्री जी अंतर्धान हो जाएंगे। औषधि दी जाती है, श्री जी कहते हैं कि नहीं, अभी मेरी अंतर्धान लीला का समय नहीं आया। अनूप सर पहुंचते हैं तो कुरान के 30 पारों के भाव के रूप में सनंद वाणी का अवतरण होता है। सनंद का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता को दर्शाने वाला। और उसमें कुरान के 30 पारों का वास्तविक आशय आ गया। हिंदू पक्ष का भी वर्णन हो गया, कतिब पक्ष का भी वर्णन आ गया, और इसके साथ प्रकाश गुजराती का हिंदी रूपांतरण, प्रकाश हिंदुस्तानी के रूप में, कलश गुजराती का हिंदी रूपांतरण कलश के रूप में आ जाता है। अब शेख बदल को आदेश होता है कि शेख बदल, ये जो सनंद की वाणी अवतरित हुई है, ले जाकर दिल्ली में सुनाओ। शेख बदल सिर पर सनंद ग्रंथ को लेकर जाते हैं। ईदगाह में सभी मुसलमान इकट्ठे हुए होते हैं, वहाँ जाकर सनंद ग्रंथ को पढ़ने लगते हैं। सब कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसा अलौकिक ज्ञान तो हमने सुना ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में है तो हम कैसे स्वीकार करें, क्योंकि यह तो काफिरों की जुबान है। अरबी में हो, फारसी में हो, उर्दू में हो तो हम सुन सकते हैं, ये क्या है? संकीर्णता। हिंदू कुरान को भी पढ़ लेगा, बाइबिल को भी पढ़ लेगा, लेकिन मुसलमान हिंदुओं के ग्रंथों को या क्रिश्चियन हिंदुओं के ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते। उनको ऐसे संकुचित दायरे में रखा गया है कि यदि ये किसी दूसरे के ग्रंथ को पढ़ लेंगे तो कहीं इन पर इनकी आस्था डिगमगा न जाए, क्योंकि झूठ पर चलने वालों को कहीं ना कहीं भय लगा रहता है। अब श्री जी भी अनूप शहर से चलकर दिल्ली आ जाते हैं। शेख बदल आकर चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि धाम धनी, मैंने बहुत सुनाया इन लोगों को, किंतु ये शरीयत के मानने वाले मुसलमान बुद्धि से रहित हैं। इनके अंदर इतनी कट्टरता है, धर्मांधता है, कि वे कुरान की बातें जो हिंदुस्तानी भाषा में सनंद में अवतरित हुई हैं, जिन कुरान के गुही रहस्यों को आज तक कोई ना जान सका था, उसको भी सुनाया जाता है, तो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हमें हिंदुस्तानी भाषा में सुनना ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम हिंदुस्तानी भाषा में सुन लेंगे तो हम नापाक हो जाएंगे, क्योंकि ये काफिर की जुबान है। आप सोचिए, काफिर किसको कहते हैं? जो अल्लाह ताला को ना माने। आखिर जो हिंदू अल्लाह ताला को संस्कृत भाषा में वेद के माध्यम से सच्चिदानंद परमात्मा मानते हैं, उनको काफिर कैसे कहा जा सकता है? लेकिन मौलवी लोगों ने उल्टी भाषा पढ़ा रखी है, तभी तो औरंगजेब के बड़े भाई जो उन्होंने उनसे पूछा गया था कि इस्लाम कहाँ है, कहा कि जहां मुल्लाओं का शोर नहीं है वही सच्चा इस्लाम है, वही जन्नत है। ये मुल्ला लोग कुरान की आयतों का इतना उल्टा अर्थ कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है, युद्ध करने को तैयार हो जाता है। अब शेख बदल अपनी सारी बात बताते हैं कि धाम धनी, कितना भी मैंने सुनाया कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। गोवर्धन दास जी को और लाल दास जी को फिर भेजते हैं श्री जी, आखिर किसको छोड़ें? चरणों में आ गए हैं गोवर्धन दास, बार बार गलतियां कर रहे हैं, फिर भी वो तो दया के सागर हैं, वो अपराधों को नहीं देखते, अवगुणों को नहीं देते, क्षमा कर देते हैं। गोवर्धन दास जी भी सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मैं आया हूँ धाम धनी के चरणों में, क्षमा मांग लेते हैं। लालदास जी गोवर्धन दास जी को पहले भेजा था, अब फिर इन्हीं दो को भेजा जा रहा है शेख सुलेमान से पुनः कहने के लिए कि भाई हमको मिला दो औरंगजेब बादशाह से। शेख सुलेमान कहता है कि तुम लोग धोती पहनते हो, चंदन का तिलक लगाते हो, औरंगजेब तो इस वेशभूषा में बात ही नहीं कर सकता। अब कई दिन करते करते जब
ना नुकुर करता रहा, उससे आशा छोड़ दी। और तब एक फारसी भाषा का जानकार था कायम मुल्ला, सोचा गया कि जो 22 प्रश्न लिखे गए हैं हिंदुस्तानी भाषा में लिखे हैं, इसको फारसी भाषा में लिखा जाए, क्योंकि उस समय फारसी को राजभाषा माना जाता था, राज दरबार का सारा कार्य फारसी भाषा में हुआ करता था। तो कायम मुल्ला के लड़के को बुलाकर लाया गया और शेख जी मीरान जी के संवाद के रूप में, वार्ता के रूप में, शेख जी कौन है? प्राणनाथ जी। मीरान जी कौन है? लालदास जी। मीरान जी प्रश्न पूछ रहे हैं और शेख जी उत्तर दे रहे हैं। कुरान के गुही रहस्यों को 22 प्रश्नों की जो पाती थी उसको फारसी भाषा में अनुवाद की गई, लिखा गया और उसको सब जगह रुक के बनाकर सब जगह देने का नियम बनाया गया। चांदनी चौक में एक सौदागर रहा करता था, उस श्री जी के चरणों में आया करता था चर्चा सुनने के लिए। उसने एक बार लालदास जी से कहा कि मेरे पास दज्जाल नामा है। लालदास जी उसके पास गए लेने के लिए, उसने टाल मटोल कर दिया, फिर कह दिया कि मेरे पास तफसीर हुसैनी है। लालदास जी श्री जी से आकर कहते हैं कि धामदनी, और चांदनी चौक का सौदागर बार बार टरकार रहा है, कभी कहता है कि मेरे पास दज्जाल नामा है, कभी कहता है कि तफसीर हुसैनी है। वहीं दयाराम जी थे, कहा कि धामदनी ये आदेश हमको दीजिए। और दयाराम ने अपनी चतुराई से 40 रुपये मूल्य की तफसीर हुसैनी 38 रुपये में लाकर दी। तफसीर हुसैनी क्या है? कुरान की पूरी टीका है। सबसे पहले वो टीका फारसी में की गई थी, उसके पश्चात उर्दू में उसका रूपांतरण हुआ था। अब तफसीर को लाकर श्री जी के सामने रख देते हैं दयाराम। कायमुल्ला तफसीर हुसैनी को पढ़ने लगते हैं। जब इल्ला युंजल्ला हूँ फिर लैलतुल कद्र मा बदर का पहली आयत को पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि हजार महीने से वह बेहतर रात्रि है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। इसमें ब्रजरास और जागनी के तीन तकरारों का वर्णन है। उसके पश्चात जब इन्ना अतेना सूरत पढ़ी, जिसमें हौज कोसर का, यमुना जी का, सात घाटों का वर्णन है, तो श्री जी बहुत आनंदित होते हैं। तीन दिन तक श्री जी लेटे लेटे लगातार सुनते रहते हैं। किस लिए? सुंदर साथ को शिक्षा देनी है। पर्दे में प्रीतम है, अपने ऊपर आवरण डाला है कि कोई ये न समझ ले कि कोई अलौकिक स्वरूप है। सब सुंदर साथ के साथ रह रहे हैं, औरंगजेब को जगाने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे कुछ उनको होता ही नहीं है। आप इसकी एक मिसाल देख सकते हैं राधा कृष्ण सीरियल में, कि श्री कृष्ण सभी के बीच में इतने साधारण ढंग से रहते हैं कि कभी वृषभान जी नाराज होकर श्री कृष्ण को डांट देते हैं, रे करके बोलते हैं, कभी नंद जी डांटते हैं, कभी कोई डांटता है, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। ये नहीं कहते कि मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप की पहचान नहीं देते। अब बलदाऊ से भी कहते हैं कि बलदाऊ अपने को छिपा कर रहना है, नहीं तो ये लीला नहीं हो पाएगी। अब वो तो अक्षरातीत हैं, सबके बीच में हैं, छिपे हुए हैं। कभी कायम मुल्ला को बुलवा रहे हैं कि अरे भाई इनसे हिंदी में सरल भाषा में अनुवाद करवा लो। अब कायम मुल्ला पढ़ रहा है और सबको दिखाने के लिए श्री जी सुन रहे हैं। आप ये बताइए, श्री जी को यदि कुरान का कुछ ज्ञान नहीं था तो 22 प्रश्नों की पाती कैसे बना दी? उसके पहले तो श्री जी ने कुरान पढ़ा नहीं था, हिंदी भाषा में कुरान था ही नहीं। किसी मौलवी से कोई बात नहीं, फिर भी 22 प्रश्न कैसे लिख दिए? 22 प्रश्नों को आप देखेंगे ग्रंथों के रूप में लिखा गया है। अब श्री जी ने सब सुंदर साथ को कहा, सुनियो भी मुकंद उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। इस कुरान के अंदर परम धाम की सारी साक्षी लिखी हुई है। हौज कोसर का वर्णन है, यमुना जी का वर्णन है, सातों घाटों का वर्णन है। इस क्रवत से लेकर उतरते अरवाहों सो हके कया अलस्तो बी रबकुम,
अलस्तो वी रबकुम कुरान की एक आयत का अंश है। क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? लेकिन इस भेद को संसार के मौलवी जन नहीं जानते। अब श्री जी कुरान की चर्चा करते हैं। अब तक मेटते तक हिंदू ग्रंथों की, गीता, उपनिषद, वेदांत की चर्चा चल रही थी, भागवत की चर्चा चल रही थी। अब दोनों चर्चा चल रही है। बिहारी जी को अब तक जो कुछ हुआ था सारा वृत्तांत पत्र के माध्यम से श्री जी ने भेज दिया था। अब देखने के लिए कि क्या हो रहा है, प्रेम जी, नाग जी और संघ जी आते हैं। किस कारण से? आप जानते हैं, गादी तो पधरा दी गई, गादी तो बना दी गई, बिहारी जी महाराज बैठ गए, चढ़ावा आए नहीं, धन आए नहीं, तो गादी कैसे चलेगी? यही भूल है। आजकल मंदिर तो करोड़ों के बना दिए जाते हैं, मंदिर में कौन रहता है? एक पुजारी, एक रसोईया और एक पहरेदार। ज्ञान की चर्चा नहीं होती तो आने वाले लोग कहाँ से आएंगे? हाँ, जिस मंदिर के बारे में प्रसिद्ध कर दिया जाता है कि अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ आपकी मन्नत पूरी होगी तो तांता लग जाता है। साईं बाबा कुछ नहीं, साईं बाबा के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो दूना तीन गुना मिलेगा, इस लालच में हिंदू वहाँ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है, वो स्वार्थी है हिंदू। तिरुपति के मंदिर में इसलिए चढ़ाएगा कि मेरा धन दूना हो जाए। वैष्णो मंदिर में इसलिए जाएगा, वैष्णो देवी के मंदिर में, कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। उसको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस बेचारे के पास परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। ये प्रेम जी, नाग जी, संघ जी को बिहारी जी भेजते हैं कि जाकर मिहराज से मिलो और उनको ये समझाओ कि मिहराज, अब तक तुमने जो कुछ भी जागनी की है सतगुरु धनी श्री देवीचंद जी की कृपा से तो की है, क्योंकि सतगुरु महाराज तुम्हारे सतगुरु हैं देवीचंद जी, इसलिए उनकी गादी पर तुम्हें आस्था रखनी होगी। गादी पर कौन बैठा है? बिहारी जी महाराज। इसलिए बिहारी जी महाराज के चरणों में आपको निष्ठा रखनी पड़ेगी। यदि गादी पर निष्ठा नहीं रखोगे तो तुम्हारे अंदर जागने की शक्ति नहीं आएगी। सारी शक्ति किसमें भरी हुई है? गादी में। ये बताने के लिए प्रेम जी, नाग जी और संघ जी को भेजा जाता है। वे देखते हैं कि यहाँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह की चर्चा हो रही है, इन्ना इंजिल्ला हूँ, फिर लैलतुल कद्रे माव दरगाह की चर्चा हो रही है। आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ब्रजराज की चर्चा कम हो रही है, कुरान पक्ष की यहाँ चर्चा हो रही है, ये तो बहुत गड़बड़ झाला है। लेकिन प्रेम जी, नाग जी और संघ जी को दिखाई देता है कि मिहराज की जगह श्री देवचंद जी विराजमान है। दोनों को आस्था हो जाती है कि वेद और कतेब दोनों पक्षों का एकीकरण हुआ है यहाँ, इसलिए तीनों नतमस्तक हो जाते हैं और सब जगह पत्र भेजते हैं कि वास्तविक रूप से सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को तो हमने श्री मिहराज के धाम हृदय में बैठा हुआ देखा है। बात तो सच थी, सारे देश में ये बात फैल गई। अब जाना तो है, श्री जी को मालूम ही है कि इनको धन चाहिए, धन दे करके विदा करते हैं। प्रेम जी वहीं रह जाते हैं, नाग जी और संघ जी चल देते हैं। रास्ते में जहां जहां जाते हैं तो अब क्या कहें, पूछते हैं सुंदर साथ, जब रास्ते में चलते, क्योंकि दिल्ली से नौतनपुरी जाना है, सुंदर साथ पूछते हैं कि आपका पत्र आ गया, आपने लिखा है कि सतगुरु महाराज तो मिहराज के अंदर हैं, तो कहने लगे कि वहां गए थे तो वहां हमें कह देना पड़ा। दोनों तरफ बात बोल रहे हैं। आज भी क्या कहा जाता है, राज जी कहाँ हैं? गादी में। आप बताइए, आप 100 गादियां बना दीजिए, कल बढ़ई और दर्जी को बुलाकर 100 गादी पर 100 व्यक्तियों को बिठा दीजिए, तो क्या 100 राज जी बन जाएंगे? किसी को समझ नहीं आती ये बात कि गादी जड़ है, उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। शक्ति आएगी आपकी आत्मा के अंदर, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, भक्ति की शक्ति, वैराग्य की शक्ति। आपका आत्मबल तब आएगा जब आप अपने हृदय में प्रीतम का आवाहन करेंगे, प्रीतम से प्रेम करेंगे, उनकी शोभा को बसाएंगे। आप ये करें नहीं
गद्दी पर जाकर सीधे बैठ जाएं और कहेंगे कि मैं ही अक्षरातीत हो गया हूं, ये एक समाज को अंधकार में ले जाने वाली प्रक्रिया है। अब जैसे ही नौतनपुरी पहुंचते हैं अपने महाराज जी के पास, बिहारी जी के पास, और भोलेपन में कह देते हैं कि महाराज जी, हमने सदगुरु धनुषदेव चंद जी को मिराज के अंदर बैठे देखा है। बिहारी जी के पास कुछ ज्ञान तो था नहीं, गादी छोड़कर भागने लगे। बहुत मुश्किल से उनको पकड़ा गया, सबने चरणों में बार बार सिर नमाया कि अब हम कभी नहीं कहेंगे कि मिराज के अंदर सतगुरु धनुषदेव चंद जी हैं, सतगुरु महाराज तो उस गादी में बैठे हैं जिस पर आप विराजमान होते हैं, आप ही धाम धनी हो। जब बार बार कहा गया तो बिहारी जी का क्रोध शांत हुआ और आकर अपनी गादी पर विराजमान हुए। कहीं न कहीं ये विचारधारा आज भी बहुसंख्यक सुंदर साध के हृदय में घर कर बैठी है कि गादी में शक्ति होती है। वेद में, उपनिषद में, दर्शन में, तारतम वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि गादी में शक्ति होती है। किसी आसन पर कोई महापुरुष बैठा होता है तो हम सम्मान देते हैं कि चलिए इस आसन पर अमुक महान व्यक्तित्व बैठता था, सम्मान देना अलग बात है, लेकिन कहना कि उसमें साक्षात बैठने पर परमात्मा की शक्ति आ जाती है, कहीं से भी बुद्धि के गले उतरती नहीं है। और अब जब नौतनपुरी में ये बात फैल जाती है कि ये लोग दिल्ली गए थे तो कहने लगे थे कि सतगुरु महाराज तो यहाँ हैं, अब नौतनपुरी में आने के बाद सब जगह उनसे पत्र लिखवाया जाता है कि हमारी आंखों को धोखा हो गया था और हमारी बुद्धि कुछ बदल गई थी, इसलिए दबाव में हमने कह दिया कि सतगुरु महाराज मिराज के अंदर हैं। सतगुरु महाराज कहीं नहीं बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? गादी पर बैठे हैं। एक चौपाई बहुत कही जाती है, ए मध्य जे पूरी कावे नौतन जेहनु नाम, उत्तम चौदे भवन मा जिहा बाला नो विश्राम। लेकिन इस चौपाई को कभी नहीं कहा जाता, तीन ठौर से भी ठौर अच्छी जाई कहिए हिंदुस्तान, जहाँ मोहम्मद मेदी आए के जाहिर किया फुरमा। हम पुरियों की महिमा गाएं क्योंकि वहाँ ब्रह्मलीला हुई है, लेकिन ये भी तो सोचिए हमारा धाम कहाँ है। ऊपर तले अर्स न कया, अर्स कया मोमिन कलो। जब तक आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को नहीं देखेंगे, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है इताए करो विश्राम को आप चरितार्थ नहीं करेंगे। जब तक हक नजीक सेहरक से आड़ो पटना द्वार खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी आत्मा की जागृति नहीं होगी। चाहे आप किसी भी पूरी में मंदिर के आगे जीवन भर क्यों न समय गुजारते रहें, क्योंकि यदि आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर की छवि को नहीं निहारेंगे तो काम आपको सताएगा, क्रोध लोभ मोह अहंकार आपको सताएंगे, विषय विकार आपके बने रहेंगे। जब तक प्रीतम की छवि आपके हृदय में नहीं बसेगी आप जागृत कैसे हो सकते हैं। इसलिए गादी के भरोसे रहकर कि गादी आपका कल्याण करेगी, केवल पूरी में रहने मात्र से ही आप परम धाम देखने लगेंगे, वाणी का सिद्धांत नहीं है, बीतक का सिद्धांत नहीं है, वेद का सिद्धांत नहीं है, एक ऐसी विचारधारा है जिसने हमारे समाज को कहीं ना कहीं भटका दिया है। इन पुरियों से ज्ञान फैलना चाहिए, तारतम वाणी का प्रकाश होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। केवल गर्वे नाच, स्वर्ण सिंहासन, सोने के छत्र, इससे आत्मा की जागृति का कोई साधन नहीं हो सकता। आत्मा की जागृति होगी केवल प्रीतम की छवि को बसाने से। तारतम वाणी का प्रकाश और चित्वनी, ये दो ऐसे संसाधन हैं जिससे हमारी आत्मा परम धाम की उड़ान भर सकती है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा सुनेंगे आप कल। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिनका
तलफ तलफ जाए जीव, जीव रतो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी सामरत दिन रहन जाए रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी न नजर जी, ए पुकार पिया जी मेरी सुने के अब ढील करो तुम जीन जी, खिन खिन खबर जुली जियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, ऐते अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी, सो अंतर आड़ी डाल के दुल्हली जे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी, इश्क सो से वाकरूं पिया सब गो साक्षात जी, सदा सुख दाता धाम धनी मेरे धाम, सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी, महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जा जाए जी, मैं अर्ज करूं